गाइस वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का आज शुभिश के एकदम ब्रांडी वीडियो के अंदर। आज हम लोग जाने वाले हैं वापस अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में। अगर आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों से बोला 1.5 लाख लाइक अगर कंप्लीट हो गए तो हम लोग लेके आएंगे सारे के सारे जितने भी आर्मर ट्रिम्स हैं वो, और तुम लोगों ने मजाक से हटके भाई उसी दिन कंप्लीट करवा दिए थे। तो आज हम लोग जाने वाले हैं सारे आर्मर ट्रिम्स को लेके आने के लिए, ऐसा एरिया बनाएंगे ना तुम लोग देखते रह जाओगे। तो जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना गाइस, इस भाई 100K लाइक का गोल है जल्दी। जिसने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। 100 days 100 वीडियो चैलेंज है, थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है पर मजा बहुत ज्यादा आ रहा है क्योंकि तुम लोग प्यार दिखाते हो ना, फिर वो चीज अलग होती है। प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, अपने फ्रेंड्स का शेयर करना और चलो चलते हैं फटाफट से सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर। गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर और तुम समझ रहे हो ना अब हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, अपने नए घर पे। मैंने सच्ची बता रहा हूँ, मेरा पूरा प्लान क्या था कि जैसे ही मैं कैसल बना दूंगा ये पूरा का पूरा, उसके बाद मैं सीधे जाऊंगा अपने कमरे सजाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बट जेन्युइनली स्पीकिंग मेरे को जब भी टाइम मिला है, मेरा मन तो है भाई तुम लोग बताना, अगर तुम लोग गेमर फ्लीट पे मेंबर्स ओनली स्ट्रीम देखना चाहते हो कि अगर मैं जिस समय पे भी ये ग्राइंड कर रहा हूँ चीज़ें, है ना, जबरदस्ती मतलब समझो ना जो चीज़ें ऑफ, क्योंकि सीधी सी बात है अब मैं रिकॉर्ड में इतने देर ग्राइंड करूँगा तो फिर तो मेरे को 3-4 घंटे सिर्फ और सिर्फ ग्राइंड करने में ही लग जाएगा। मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ, रुको जरा एक बार ऊपर चलते हैं दोबारा से, ठीक है। मैं कहता हूँ इसके बीच में चलते हैं, बड़ा कूल लगता है, ठीक है। तो देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, अरे यार मैं रखना भूल गया अपने पास, रुको जरा लेके आते हैं फटाफट से। मेरे पास आई ऑफेंडर होनी चाहिए, मैं बना सकता हूँ कभी कभी तो मैं बना भी दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम समझ रहे हो कि मोस्ट ऑफली आई ऑफेंडर से क्या बनता है वो तो सबको ही पता है भाई जो भी माइनक्राफ्ट खेलता है उसको। ये देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि क्या बात चल रही है कि क्या ग्राइंड क्यों ग्राइंड है ना। तो सीधी सी बात है अब दिमाग लगाओ, ठीक है। अगर हम लोग 16 टाइप के आर्मर बनते हैं और हमारे पास अभी एक टाइप का आर्मर है जो कि हम लोगों को मिला था तुम्हारा उससे बेस्टियन रेमिनेंट से, राइट। और उसमें भी हम वी वर लाइक स्टूपिड इनफ कि हम लोगों ने उसको खराब कर दिया, मतलब खत्म कर दिया पूरा का पूरा, यूज़ कर दिया वो भी एक आयरन के उसमें, तो हम लोगों को दोबारा लेके आना पड़ेगा वो भी, क्योंकि खड़ी करने के लिए हमें चाहिए आर्मर, खाली अपने ऊपर पहनने के लिए नहीं चाहिए। तो वही चीज है अब हम लोग क्या करने वाले, देखो मैं दिखाता हूं। तो हम लोगों को बेसिकली चाहिए कितने आर्मर, 16, राइट, 16 आर्मर सेट्स चाहिए हम लोगों को, अगर हम लोगों को 16 ट्रिम्स लगाने हैं उसमें। अब 16 ट्रिम्स लगाने के लिए 16 आर्मर चाहिए, बट एक आर्मर में कितने सेट होते हैं, 4, राइट। तुम्हारा हेलमेट होता है, फिर चेस्ट प्लेट होती है, फिर लेगिंग होते हैं, फिर बूट्स होते हैं, राइट। तो हम लोगों के पास ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हम लोगों को चाहिए कितने, 16 × 4 = 64 पीसेस चाहिए हमें, 64 पीसेस ऑफ क्या कहते हैं तुम्हारा आर्मर, 64 पीसेस ऑफ आर्मर को नेदरराइट बनाने के लिए तुम्हें कितने चाहिए होंगे नेदरराइट, मतलब एंशियंट डेब्रिस। तो तुम लोगों को 4 stack एंशियंट डेब्रिस चाहिए होगा, समझ रहे हो, 4 stack एंशियंट डेब्रिस चाहिए होगा तुम लोगों को। मैंने ऑलमोस्ट नहीं भी तो 1.5 घंटा ग्राइंड किया, मेरे को लगा मैं कर लूंगा 2 घंटे में तो फिर भी एंशियंट डेब्रिस हो जाएगा अगर मैं TNT बजाते रहा तो, पर ऐसा होता नहीं है भाई क्योंकि बाद में एंशियंट डेब्रिस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे पास अभी के लिए 1 stack और 47 पड़ी हुई है और 2 एंशियंट डेब्रिस 2 आयरन इंगेट पड़ी हुई है मेरे पास, और मेरा वो वाला कौन सा सिल्क टच वाला यही है ना, हाँ ठीक है। तो देखो तो अब हमारे पास इतना पड़ा हुआ है कि हम लोग कम से कम नहीं भी तो ठीक है थोड़ा बहुत और ले आएंगे, बट उसमें हम लोग 2 stack मतलब 2 stack मानो तो हम लोग 8 armor बना सकते हैं, समझ रहे हो तुम लोग, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ है। बट हाँ हम लोगों को 4 stack एंशियंट डेब्रिस चाहिए होगा अगर हम लोग को 16 armor sets बनाने हैं तो, क्योंकि ट्रिम्स 16 होते हैं और अगर हम सारे ट्रिम्स लेके आने वाले हैं तो हम लोगों को कम से कम नहीं भी तो 16 आर्मर सेट्स चाहिए होंगे। देखो आर्मर तो हम लोग बड़ी इजीली निकाल लेंगे, तुम सबको पता है कैसे भाई, ठीक है। आर्मर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग क्या कहते हैं अपने देयर वी गो, देखो हम लोग आर्मर तो इन लोगों से निकाल लेंगे, ठीक है। इन लोगों को हम लोगों को मैक्स आउट करना पड़ेगा, सैडली मेरे सारे के सारे विलेजर्स मजाक से हटके भाई डेड हो गए थे, फिर मेरे को यहाँ से बगल से इसको लेके आना पड़ा, इन लोगों को जॉब्स देनी पड़ी, सब कुछ यही है ना अपना आर्मर वाला। तो हम लोग इससे देखो आयरन ट्रेड कर करके इसको बना देंगे, हम लोग इससे डायमंड का आर्मर तो ले लेंगे, बट हम लोगों को चाहिए होगा क्या नेदरराइट आर्मर, जैसे मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस करा था मैक्स आउट आर्मर। ये क्या था, उन लोगों ने दरवाजा खोला क्या मेरे पीछे, बंद हुआ, अच्छा अच्छा ना, हाँ होपफुली बंद ही हुआ हो। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं फटाफट से चलते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ जो कि मैंने तुम लोग को बोली थी कि हम लोग अपने वर्ल्ड में, एक तो यार ये मैंने यार यहाँ पे इसको यहाँ पर से सारी गाय को वहाँ शिफ्ट कर दिया और उसके साथ साथ सारा का सारा वीट फार्म दोबारा से हटा दिया है, बट हमारे पास वीट कोई बात नहीं, हम लोग वीट फार्म से नहीं ला सकते, क्या हुआ हमारे पास एक पूरा
लाला। अरे हाँ, मैं तुम लोग को बताना भूल गया, तो मेरे को चेरी ब्लॉसम वाला एरिया भी मिल चुका है, तो मैं थोड़ा बहुत चेरी ब्लॉसम के पेड़ भी ले आया था, तो वो भी मैंने लगा दिए थे। और मैंने ना तुम लोगों के कमेंट्स पढ़े, तो उसमें हो रहा था कि भाई बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहा है भाई, इसमें ना दिख नहीं रहा है अच्छे से, मतलब कहने का मतलब है कि भसड़ मच रही है हर जगह पे, तो मैंने थोड़े बहुत पेड़ वेड़ भी हटा दिया। आई गेस मैंने तुम लोग को लास्ट एपिसोड में बता दिया होगा ये बात। नहीं चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से देखते हैं ये रहा, चलो ब्रेड बना लेते थोड़ी सी। भाई इतना आता ना इधर पे वीट, इतना वीट आता है ना, देखो सीधी सी बात है, दिन की शुरुआत कैसे होती है गाइस कमेंट सेक्शन में अब भी डाल दो, इससे पहले कि मैं बोलूं दिन की शुरुआत कैसे होती है। बिल्कुल सही भाई, गाय के गाढ़े गाढ़े दूध और फार्म की ताजी ताजी ब्रेड से। चलो भाई गौ माता थोड़ा सा दूध दीजिए, थैंक यू। चलो अब खाते हैं हम लोग ब्रेड सबसे पहले अपनी ताजी ताजी, और उसके ऊपर से पियेंगे दूध। और चलो भाई अब हम लोग काम धंधे पे लग सकते हैं। चलो अरे यार एक तो ये ट्राइडेंट मैंने अपनी सिल्क टच की वजह से रख रखा है ना अंदर। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, निकलते हैं इधर पर से, ठीक है सीधे, और चलते हैं फटाफट से अपने एक एक करके आर्मर को सबसे पहले बनाने के लिए। हम लोगों को ढूंढने से पहले अपने आर्मर्स को बनाना पड़ेगा, अपने आर्मर्स को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले देखो आर्मर स्टैंड्स बनाने पड़ेंगे, राइट। मैं सोच रहा हूँ कि देखो इन दोनों में से एक जगह चुन लेते, जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला ही था, इन दोनों में से एक जगह चुन लेते जहाँ ये मिलेगा मेरे। निकल 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 इधर से, समझा क्या। चलो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इधर पे आर्ट रख सकते हैं, इधर पे आर्ट रख सकते हैं, ऐसे करके आर्मर रख सकते हैं बीच में, या फिर कैसे रखना है थोड़ा सा ना क्या कहते हैं उसे, जो कैसल है उसका ना बराबर बराबर नहीं है, तो उतना मजा नहीं आ रहा सही बताऊं तो, ठीक है। ये पीछे वाला एरिया को मेरे को थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए था, वरना यहीं पर लगाया था मैं सारे के सारे। देखो कितनी स्पेस थी, 1 2 3, इसको भी मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, करेक्ट 15 थी, एक आगे को लगता क्योंकि सेंटर पीस भी तो होगा कोई जो मैं बार बार पहनूंगा, तो 16 के 16 आर्मर यहाँ पर आ सकते थे। पर ये ना ऐसे देखने में ऐसा क्लॉस्ट मतलब कैसे बताऊँ, ऐसे ना पूरा दिख ही नहीं रहा है दूर से, अगर मैं दूर से खड़े होकर देखूँ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को कुछ तो चाहिए होगा, मैं तो सोच रहा हूँ कि एक और चीज़ कर सकते हैं हम लोग ना, छत पर भी लगा सकते हैं, ठीक है आर्मर यहाँ पर भी लगा सकते हैं 16 के 16 यहाँ पर ऐसे करके क्या कहते हैं, लेकिन फिर यार वो बहुत फैले फैले से लगेंगे। तुम लोग बताना मेरे को, या तो फिर मैं इसको तोड़ दूँ, ठीक है ये जो बीच का सेंटर एरिया, इसको तोड़ के यहाँ पर एक रूम बना दूँ जो आर्मर रूम होगा, जहाँ पे 16 के 16 टाइप के आर्मर होंगे। और धीरे धीरे करके क्या करेंगे, जैसे मैंने तुमको बोला कि हम लोग मेंबर्स ओनली स्ट्रीम्स कर सकते हैं गेमर फ्लीट पे, ठीक है, जिसमें मैं ग्राइंड करता, तो उस पे मैं जाके क्या कर दूंगा कि सारे के सारे आर्मर्स को मैक्स आउट कर दूंगा, तो हम लोग कोई भी आर्मर किसी भी दिन पहन सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा कूल लगेगा, तुम समझ रहे हो, हमारा जो मन करेगा हम वो आर्मर पहनेंगे, किसी भी दिन पहनेंगे भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी के लिए तो चलो चलते हैं फटाफट से, जितना ज़्यादा आयरन हो सके। भाई कितने बाहर आ रहे हैं ये गोलम, लेकिन अच्छी बात है कि अंदर भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली बाहर आ रहे हैं। मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, ये देखो, ओके AFK खड़ा होना पड़ेगा थोड़ी देर से, या फिर मैं एक काम करता हूँ, जो हम लोगों ने अपने उसके लिए बनाया था, हम लोगों को देखो अभी के लिए उसका ज़रूरत नहीं है ना, क्या कहते उसे, हमारे बीकन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो आयरन हम लोगों ने बीकन के लिए निकाला था, कम से कम 3 स्टैक के अराउंड है, ब्लॉक के 3 स्टैक, तो हम लोग उसको निकाल के ले आते हैं फटाफट से, और जाके उसी से खरीद लेते हैं, कैसी बात। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं, हो चुकी है अगली सुबह, और चलो फटाफट से सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सबसे पहले आर्मर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, हम लोगों को आर्मर चाहिए मेनली, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जाते हैं, चलो चलो चलो, हटो 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 हटो, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम लोगों ने मेरे खिलाफ कोई वो तो कमेटी तो नहीं बना रखी है ना यहाँ पे, कि वो आएगा उसको बिल्कुल मत देना भाई, ऐसे करके पूरी कमेटी बना रखी हो पता चला। ओए तू चोरी तो नहीं कर रहा ना मेरा आयरन, हाँ गुड, इन सबको हम लोग आयरन ट्रेड करेंगे। तुम लोग सोच रहे हो मैं सबसे क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, है ना, मैं बस समझाता हूँ अभी क्यों ट्रेड कर रहा हूँ सभी लोगों से। देखो सीधी सी बात है कि हम लोगों को एमरल्ड भी तो चाहिए होगा ना अपग्रेड करने के लिए। तो यार कितना कूड़ा है, कितना कूड़ा है भाई इधर मेरी इन्वेंट्री में यार, ये सारा सामान फालतू का हटा देते हैं हम लोग, ठीक है ये हट गया ये हट गया, बस आर्मर उर्मर तो रहने दो। अभी फटाफट से देखते हैं, ये तो कुछ भी नहीं दे रहा है अभी के लिए, ये भी एमरल्ड से इसको अपग्रेड करने की वैसे भी ज़रूरत भी नहीं मेरे को, इसको अपग्रेड करना देखो मैक्सिमम, ठीक है। तो हम लोगों को देखो अभी के लिए हम लोग एक ही ले सकते हैं, हम लोग को अब जितने ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा एमरल्ड जमा करने पड़ेंगे, तो मेरे को हर किसी से कुछ ना कुछ ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे इन लोगों से हम लोग पेपर ट्रेड कर सकते हैं, तो मैं अपने शुगर केन फार्म में जाके पेपर ले आता हूँ, ऐसे करके मैं जितने ज़्यादा एमरल्ड हो सकते हैं ना उतने ज़्यादा एमरल्ड ट्रेड करता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आर्मर बना लेते हैं, आर्मर स्टैंड लगा लेते हैं, और उसके बाद हम लोग सीधे जाएंगे और जाके, ओ भाई साहब हम लोगों को मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर एक चेस्ट बनाना पड़ेगा अब तो क्योंकि अच्छा चलो है, मैं फटाफट से इन लोगों से जितने ज़्यादा ट्रेड्स हो सकते हैं ज़्यादा ट्रेड्स करके ढेर सारे एमरल्ड जमा करके मिलता हूँ। या तो फिर मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं जाता हूँ और जाके रेड फार्म को एक्टिव कर देता हूँ, रेड लेके आ जाता हूँ, तो वो भी हमारे लिए अच्छा एक तरीका है क्या कहते हैं एमरल्ड जमा करने का। बट क्या होता है ना कभी कभार रेड फार्म से एमरल्ड उमरल्ड आते नहीं है ज़्यादा, उससे एमरल्ड कम आते हैं और बदतमीजी ज़्यादा ही होती है,
मैं तब से क्राफ्टिंग टेबल ढूंढना था, पता है तुम्हें? क्राफ्टिंग टेबल भाई, मैं थोड़ी देर के लिए रेड फार्म यूज करना है, अब ये मेरे को ही लग रहा है या फिर ऐसा ही हो रहा है? रेड नीचे आ गई है। अबे ओए, अरे भाई साहब, अरे क्या बचाऊं मैं भाई मजाक से हटके। रेड कहाँ है फिर भाई, मैं क्या बचाऊं अभी मजाक से हटके? अभी वो यार काइनेटिक एनर्जी से मर जाता मैं भाई। रेड आई कहाँ है, चली गई रेड? अबे ऊपर तो आई नहीं है रेड, रेड है कहाँ? अच्छा मेरे हटने के बाद आई क्या? क्या फालतू चीज है भाई यार, ये देखो चल ही नहीं रहा ये। तो गाइज मेरे को एक चीज तो पता चल गई है कि हमारा रेड फार्म तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है भाई, ये फार्म तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मैंने ये ट्राई करा 2-3 बार भाई, मैं गया जाके लेके आया, कुछ चल ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, काम ही नहीं कर रहा है भाई। हटो, इससे बढ़िया तो यहाँ पर जो मैं लेके आया हूँ बंदे, मैंने इनको एकदम मैक्स आउट कर दिया। आई गेस सारे के सारे नहीं पता, बट शायद से मैंने मैक्सिमम तो मैक्स आउट कर दिया, और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एमरल्ड भी पड़े हुए। हाँ नाइस, और ये मेरे को सस्ते में भी देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जितना भी कूड़ा कबाड़ा आर्मर है ना, ये कूड़ा कबाड़ा आर्मर हटा दूँ मैं। आयरन तुम लोग ले लो, कोई ले लो यार। ए 8 तो तेरे को गलती से भी नहीं दे रहा मैं, ठीक है ना? 8 इतना बड़ा नहीं हुआ तू अभी, 8 आयरन लेगा मेरे से, 3-3 चल ले ले भाई, कोई नहीं, ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी देखते हैं सबसे सस्ते हमें आर्मर कौन दे रहा है, क्योंकि सीधी बात है एन्चेंटमेंट तो हमें चाहिए नहीं, तो हमें सस्ता आर्मर चाहिए, राइट? तो हम लोग देख लेते हैं, हम लोग को देखो हमारे पास एक पैंट पड़ी, हमें हर चीज़ के 16-16 चाहिए बेसिकली। तो हम लोग एक ही चीज़ जमा करते हैं, पहले बूट जमा करते हैं, ठीक है? तो हम लोग को बूट्स ये दे रहा है 18 में, बूट्स ये दे रहा है 15 में, बूट्स ये मैक्स नहीं हुआ क्या अभी तक? अबे यार चलो कोई नहीं छोड़ो, वैसे भी बहुत हो गए। 16 में ये दे रहा है बूट्स, 13 में ये दे रहा है बेस्ट भाई, 13 वाला मिल गया मुझे एक, 13 में दे रहा है एक बंदा बूट्स। कोई और है जो इससे भी 9 बूट पास हो गए? जी जी चलो भाई, इससे सस्ता मुझे नहीं लगता कोई देगा, ठीक है? तो कितने को 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेरे ख्याल से ये सभी कुछ ना, हेलमेट भी सस्ते दे रहे, ठीक है? तो हेलमेट भी इसी से खरीद लेते हैं हम लोग, जितने ले सकते हैं 3 ही ले सकते हैं अभी के लिए, या मेरे को इंस्टेंट लेते रहने चाहिए थे, पता है बेवकूफ़ हूँ मैं। ये एक्चुअल में हमें सब कुछ ही सस्ता दे रहा है, या हेलमेट ये 10 का दे रहा है, नहीं अभी नहीं ले रहा मैं, ये 9 का दे रहा है, नाइस लाओ दे दो भाई, ठीक है? हेलमेट ले लेते हैं, हेलमेट ले लेते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे इससे हेलमेट हम लोग। और कहाँ है, और कहाँ है? 12 में नहीं, नीचे 12 में, हट यहाँ से। और है हेलमेट 10 में दे रहा है, चलो ले लेते हैं 10 में भी, छोड़ो, देयर वी गो, बढ़िया। अपने पास कितने हो गए? 9 हेलमेट हो चुके हैं, ठीक है? ऐसे करके हम लोगों को जमा करते रहने पड़ेंगे यहाँ पर आके बीच में। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं एक चेस्ट लेके आता हूँ, ठीक है? चलो फटाफट से चलते हैं, चेस्ट कहाँ है? चेस्ट 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 लेके आते हैं फटाफट से, चलो। ला ली ली ली, चलो चले मितवा। यहाँ पर यार स्टेयर्स लगाना भूल जाता हूँ हर बारी। चलो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग यहाँ पर इन चेस्ट को लगा देते हैं, देर वी गो, 1, 2 एक ऊपर लगाने चाहिए थे वैसे, हाँ इसको हटा देता हूँ, ये वाला तो ठीक लगा है, देर वी गो, ठीक है? इनमें हम लोग क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? 9 सॉरी 9 ये लग गए, ठीक है? और उसके बाद 9 बूट्स आ जाएंगे, 16-16 की एग्जैक्ट जगह छोड़ेंगे, ठीक है, सब चीज़ों के लिए। तो ये देखो ये हो गए 9, अभी ये इसमें 7 और आएंगे तो 16 हो जाएंगे, फिर इसमें ये ऐसे करेंगे हम लोग, फिर पैंट्स में सेम करेंगे, तो ये दो दो लाइन के हिसाब से छूट जाएगा, ठीक है? ये अपना ईजी है, या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कितना होता है इसमें, 27 जगह होगी, राइट? नहीं, 9, 3 जा 1, 2, 3, 9, 6 जा 54 होता है ना, 54 की जगह है, तो हम लोगों को 16-16 के हिसाब से 54 कब होगा, 16, 3 जा 18, 30, 48। तो गाइस देखो इसमें हमारे 3 आ जाएंगे, फिर इसमें बाकी के बचे हुए एक आर्मर टाइप का आ जाएगा बेसिकली। हम लोगों को कितना चाहिए था, हम लोगों को 64, मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हम लोग को 16-16 आर्मर चाहिए हर एक टाइप के, तो 4 टाइप के आर्मर तो 64 होता है, तो ये 54 ही इसके अंदर आएंगे, तो बाकी बच्चे भी इसमें डाल देंगे हम लोग, ठीक है? एक बार देख लेते हैं ये लोग, हेलमेट मेरे को नहीं चाहिए इतना महंगा, एक बार देख लेते हैं अगर तुम लोग यार तुम लोग यहाँ से हटोगे तभी तो मिलेगा ना तुम लोगों को आर्मर, आर्मर यार अपग्रेड वहाँ पर जाके वो करना आर्मर, आर्मर उसमें जाके अपने, रुको एक मिनट इससे ले लेते हैं, 3 ही देगा ये भी बदतमीज कहीं का यार, इसको भी मेरे को करना 9 वाला बढ़िया, ये भी 3 दे दे। एक मिनट मैं ज़्यादा हेलमेट ना ले लूँ भाई, जी जी ले लिए शायद नहीं लिए, नहीं लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही हुए ना हम लोग को, एक और चाहिए होगा, तो यहाँ तक का हम लोगों को लेके आना पड़ेगा, तब जाके 16 होगा, राइट? एक और है, ओए किसने अपग्रेड वो करा है,
नहीं 12 वाला हेलमेट तो नहीं चाहिए मेरे को भाई। हम लोगों का हेलमेट में जो तुम एनचांट दे रहे हो मुझे चाहिए नहीं, मुझे सस्ते में। इसको देखो 19 में दे रहा है, क्या दे रहा है भाई तू हेलमेट में ऐसा? अनब्रेकिंग 1। फिर वही है ना, गाली खाने वाले काम है नहीं है। चलो यही दे दे ला, एक ही चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो हमारे हेलमेट हो गए। ऐसी करके गाइज हम लोगों को सारे के सारे आर्मर्स टाइप को जितने होते हैं आर्मर टाइप, जैसे कि हेलमेट हो गया अपना, अब बूट्स, लेगिंग्स और उसके बाद चेस्ट प्लेट, हम लोग को ये चारों को 16 16 16 जमा कर लेना है ताकि हम लोग के पास एटलीस्ट 16 आर्मर तो हो जाए। फिर हम लोगों को अपग्रेड ट्रिम लाने हैं, फिर सारे के सारे आर्मर ट्रिम लेके आने हैं। बहुत मजा आएगा इस एपिसोड में भाई, मुझे अभी से मेरी हालत टाइट हो गई है और अभी तो कितना ही बचा है। तो गाइस कैसे ना कैसे कर करके तुम्हारे भाई ने यहाँ पर जमा कर, इसको देख लो भाई घूंगर को भाई। यहाँ पर अभी हमारे पास काफ़ी सारा और भी एमरल्ड बच गया है, बट ठीक है कोई बात नहीं, अपना लेवल तो हो ही गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, बस एक चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पर से थोड़ा सा एमरल्ड लेके चलते हैं, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर से एमरल्ड लेके निकलते हैं और चलते हैं सीधे बगल वाले पे, इनसे जाके थोड़ा सा खाना खूने को सामान ले आते हैं, जो कि होगा ये और थोड़ी सी पम्पकिन पाइस, ठीक है। पम्पकिन पाइस तुम्हें पता है तेज भरती है भूख, और बाकी फिर एचपी ज़्यादा तेज लेकिन इससे बढ़ती है गोल्डन कैरेट से, ठीक है। तो ये अपना काम धंधा हो गया पूरा का पूरा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो हमारे पास देखो आर्मर पूरा हो चुके 16 के 16। अभी हम लोग को इनको मैक्स आउट भी, मतलब मैक्स आउट नहीं, अभी मेरे को इनको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हम लोग इनको क्या कहते हैं उसे लेवल अप करना पड़ेगा, मतलब इसको हम लोग को नेदरराइट बनाना पड़ेगा। अब दिक्कत कहाँ पर आती है वो मैं तुम लोग को बता देता हूँ। देखो मेरे पास क्या पड़ा हुआ है डायमंड्स में, 2 स्टैक भी नहीं है हमारे पास, 1 स्टैक और 36 डायमंड पड़े हुए, राइट। अब देखो एक हम लोग जो ट्रिम लेके आएंगे उसको हमें 4 में डिवाइड करना पड़ेगा, और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि हम लोगों को 16 इंटू 4 कितना हो गया गाइस, देखो बताना मेरे को, 16 इंटू 4 64, राइट। 64 हम लोगों को कम से कम नहीं भी तो ट्रिम्स को वो करना पड़ेगा, बार बार बनाना पड़ेगा। 60 डायमंड एक ट्रिम लेता है कॉपी होने में, तुम समझ रहे हो, 60 डायमंड एक ट्रिम को कॉपी करने में लगता है, तो तुम समझ जाओ फिर 7 64 7 64 जा। ओ भाई साहब, भाई ये तो बहुत खतरनाक होना है, 7 स्टैक डायमंड चाहिए होंगे हमें, लाइक इतना मुश्किल नहीं है सच्ची बताऊँ तो डायमंड के स्टैक ढूंढना, क्योंकि अगर तुम्हारे पास लाइक Fortune 3 वाली पिकेक्स है तो हो जाता है, लाइक एक एक वेन में तुम लोगों को 30-30 मिल जाते कभी कभी, वो तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट दिक्कत वाली बात यहाँ पर आ जाती है कि हम लोगों को अभी पहले ट्रिम्स भी ढूंढने और सब कुछ ढूंढ के लेके आना, मेरे तो ऐसा दिमाग को रोकना, मैं मजाक नहीं करूँगा, ये कुछ ज़्यादा ही टफ चैलेंज ले लिया मैंने, मैं मजाक भी नहीं करूँगा सच्ची में भाई, मैं तो क्लियर बोलूँगा यार ये बहुत ज़्यादा टफ चैलेंज ले लिया, क्योंकि सीन क्या है ना, 1.20 के बाद से तुम लोगों को अपग्रेड ट्रिम भी चाहिए होता है। अब हम लोगों को अपग्रेड ट्रिम को भी मैक्स करना पड़ेगा, तो हम लोगों को कम से कम नहीं भी तो 14 स्टैक डायमंड के चाहिए होंगे, 14 स्टैक डायमंड के, क्योंकि हम लोगों को 64 अपग्रेड ट्रिम्स को भी तो वो करना पड़ेगा ना, क्या कहते उसे कॉपी करना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को तो नॉर्मल वो मिलेंगे नेदरराइट के आर्मर, और उसके बाद उनमें ट्रिम लगाने के लिए हमें 64 को, भाई साहब वाट लगने वाली गाइस। बट अभी हम लोग रेडी है, मैं एक काम करता हूँ पहले आर्मर स्टैंड लेके आता हूँ, और यहाँ पर अभी के लिए मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ आर्मर, ठीक है। ऐसे कर लेंगे, देखो 1 2 3 4, देखो परफेक्ट बीच में देख लेते हैं, 1 1 2 3 4, ऐसे करके 4 आर्मर यहाँ पर 4 आर्मर यहाँ पर, 4 जगह हमारे पास 4 4 आर्मर चारों तरफ से फिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी के लिए हम लोग, अभी के लिए मैं यहाँ लगा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग कमेंट सेक्शन में गारंटीड से बताना, अगर हम लोग इस एरिया को तोड़ के यहाँ पर एक प्रॉपर एरिया बना देंगे जिसमें खाली आर्मर ही रखे होंगे, तुम समझ रहे हो, या तो भी इसी को कुछ फैला के कुछ करेंगे, देख लेंगे, मतलब अपने हिसाब से देख लेंगे। अभी मैं आर्मर स्टैंड लेके आता हूँ और एक एक करके सारे के सारे आर्मर्स को यहाँ पर लेके आता हूँ, और उसके बाद उनको करते हैं खड़ा करते हैं उधर पे लगाते हैं आर्मर के साथ, ठीक है। तो गाइस मैं सारा का सारा सामान बना के आ चुका हूँ, लेट्स गो जल्दी से चलते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ करता हूँ यहाँ पर जाके ना, भाई मेरे को इतनी हंसी आ रही है ना, हम लोगों ने लेजिट अभी तक का, बस रुक जाओ, हमने लेजिट अभी तक का भाई कुछ भी नहीं कर रखा है, कहने का मतलब हमने कुछ भी ढूंढा नहीं है अभी तक का, पर भाई ये चीज़ ही ऐसी है, मजाक से हट के ये जो हम लोग चैलेंज ही ले रहे हैं ना, ये चैलेंज ही ऐसा है कि तुम लोग इसमें भाई कहने का मतलब इसमें एक चीज़ है ही नहीं, कि ऐसा नहीं कि खाली ढूंढ के रख दिए चलो ठीक है ख़त्म, भाई लेट्स गो गाइस हम लोगों ने ढूंढ दिया ख़त्म, मिलते हैं चलो अगली वीडियो में,
भाई ये ऐसा इतना लंबा खतरनाक एकदम चल रहा है भाई सब कुछ कि मैं सोच भी नहीं, मतलब कैसे बताऊं मैं तुम लोगों को, मैं समझा ही नहीं पा रहा हूं। पता है तुम्हें, मेरे को लगता नहीं इतने रॉकेट में लेके आ गया, इतनी जरूरत पड़ेगी। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं देखो, एक लास्ट शॉट करने वाले हैं गाइस, उसके बाद हम लोग सीधे ढूंढने जा रहे हैं सारे के सारे उनको ट्रिम्स को। बट दिक्कत ये है ना यार, एक मिनट वो मैं ले सकता था वहां से, बट ठीक है। दिक्कत मेन ये है कि भाई इसमें एक पार्ट है ही नहीं, इसके सबसे पहला सबसे बेसिक पार्ट हम लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा तुम बता दो मुझे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे देखो, अरे यार ये दिक्कत हुई। अच्छा जी, क्योंकि देखो ये क्या है ना, ये सेंटर तो ये ऐसे करके चार, तो ये ऐसा आ जाएगा, देख रहे हो, समझ रहे हो मेरी मेरे कहने का मतलब, समझे तुम लोग, 3 4 2 3 रुको करते हैं इसका, ठीक है। मैं करेक्ट 16 लेके आया हूँ तो मेरे को दिक्कत नहीं है कोई भी, बस ठीक है। अब दो बचते हैं, दो को हम लोग एक यहाँ पे लगा देते हैं, एक यहाँ पे लगा देते हैं। बेस्ट भाई, दिमाग तो तुम्हारे भाई के पास कूट कूट के भरा हुआ है। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, पहले तो मैं सारी इन्वेंट्री में रख लेता हूँ सामान, ठीक है। देयर वी गो, अब हम लोगों को बस सबको एक एक करके जितने भी आर्मर हम लोग लेके आए हुए ना, सबको आर्मर पहना देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को इन्हीं को बाद में अपग्रेड भी करना है। तो चलो मेरे को 2 मिनट दो गाइस, मैं फटाफट से इन सबको आर्मर पे आर्मर पहना के मिलता हूँ तुम लोगों से 2 मिनट के अंदर, ठीक है। भाई क्या कूल लगेगा, सोचो यहाँ पर फुल्ली मैक्सड आउट आर्मर्स होंगे और सारे के सारे अलग अलग दिखने के आर्मर। आए होए होए, मेरे को तो सोच के अजीब सा हो रहा है, मतलब अजीब सा इन द सेंस अच्छे तरीके में अजीब सा, समझ रहे हो तुम लोग, मेरे को सोच के ऐसा हो रहा है भाई कितना ज्यादा खतरनाक दिखने का सीन होगा यहाँ पे, सोचो तुम लोग। भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे दिमाग में मेरे को ये बहुत ईजी लग रहा था, पता है तुम्हें, जब मैंने सोचा था ना इसको करने की, मेरे दिमाग में मेरे को बहुत ज़्यादा इजी लगा था। मैं कहता यार ये तो बढ़िया चीज़ है यार, करेंगे पक्का यार, बड़े मज़ेदार भी होगा और मज़ा भी आएगा। क्या करना है, 16 ट्रिमी तो ढूंढने हैं। मेरे को ये दिमाग में नहीं आया कि एक्चुअल में मेरे को 16 आर्मर भी बनाने पड़ेंगे और वो भी नेदर राइट के, खाली नॉर्मल आयरन आर्मर भी नहीं, तो ये चीज़ बड़ी खतरनाक हो गई है। बट ये दिखने का बहुत कूल लगेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ, तुम लोग भी आँख बंद करके एक बार इमेजिन करो, आँख बंद करके आँख खोल के इमेजिन करो, माय बैड, यहाँ पर देख के ना प्रॉपर सोचो, यहाँ पे चारों तरफ ऐसी आर्मर्स हैं और सब आर्मर ट्रिम्स अलग हैं, समझ रहे हो, वैसे नेदरराइट के आर्मर पड़े हुए हैं, धाड़ धूड़ और सब टाइप के आर्मर्स अलग हैं, समझ रहे हो तुम लोग, सब टाइप के आर्मर्स हैं इधर। भाई क्या कूल लगेगा यार, कसम से भाई इतना मस्त लगेगा ना, तुम देखो बस। चलो अभी के लिए तो हम लोगों ने सारे के सारे आर्मर उर्मर छोड़ दिए, अब हम लोग निकलते हैं सीधे। देखो मैंने जितनी अपनी नॉलेज के हिसाब से करा है, देखो पहले चार तो हम लोग बड़ी आसानी से लेके आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हम लोगों को देखो नेदर तो जाना है, क्योंकि हम लोगों को अपग्रेड वाला भी चाहिए ट्रिम, राइट। तो हम लोगों को एक और नया ब्लैक स्टोन, लाइक ब्लैक स्टोन बोल रहा हूँ, हम लोगों को एक नया बेस्टियन रेमिनेंट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों को देखो एक बेस्टियन रेमिनेंट में मिल जाएगा, एक नेदर फोर्ट्रेस में मिल जाएगा, तो हम लोगों के दो तो ऐसे ही होगा, और हम लोगों को अपग्रेड ट्रिम भी मिल जाएगा। तो हम लोगों को नेदर जाना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा अकॉर्डिंग टू मी। एक फोर्ट्रेस से ले आएंगे, एक हम लोग क्या कहते हैं अपने बेस्टियन से ले आएंगे, तो दो तो इजी हो जाएगा। फिर दो इजी कौन से वाले मैं बोल रहा हूं, एक तो हम लोगों का मिल जाएगा हमें क्या कहते हैं डेजर्ट टेंपल में, हम लोगों को पता है डेजर्ट का है, डेजर्ट टेंपल मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। और दूसरा हम लोगों को मिल जाएगा ओशन मॉन्यूमेंट से, ओशन मॉन्यूमेंट तो मेरे को बतेरे पता है जहां जहां पर है, वहां पर हम लोगों को बस गार्डियंस को मारना है, बस मैंने दो ओशन मॉन्यूमेंट के गार्डियंस को मारा हुआ है, तो हम लोगों को नया ओशन मॉन्यूमेंट लाइक है 3-4 देखे हुए मैंने रस्ते में, तो हम लोगों को वो भी इजीली मिल जाएगा। तो ऐसे करके हम लोगों को बस चार तो देखो बड़ी इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी हम लोग धीरे धीरे करके करते रहेंगे, जैसे हम लोग को एंड सिटी जाना पड़ेगा, इंशियन सिटी जाना पड़ेगा हम लोगों को, और पता नहीं कहां कहां जाना पड़ेगा, तुम सोचो बस दिमाग लगाओ भाई। अभी तो मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को कहां कहां पे मिलते हैं सारे के सारे, लाइक मेरे को ऐसा मुंह जबानी याद नहीं, क्योंकि एक तो नई जगह भी है कुछ, तो ट्रायल्स करके कुछ आया, रुइन ट्रायल्स करके कुछ आया हुआ है, उसमें तो चार टाइप के मिलते हैं, तुम समझ रहे हो, वो रुइंस ट्रायल में चार टाइप के मिलते हैं अलग अलग, तो वो तो और ज्यादा टफ होगा। तो चलो सीधे निकलते हैं नेदर की तरफ को, क्योंकि हम लोग को अपग्रेड ट्रिम भी चाहिए होगा। तो चलो मिलते हैं तुम लोगों से, सीधे ट्राई करते हैं जल्दी से जल्दी, हम लोग एक बेस्टियन रेमिनेंट ढूंढे और एक फोर्ट। क्या है भाई ये, क्या है भाई, अबे ये क्या है भाई, क्या चल रहा है यहाँ, या मेरे को अपनी स्वॉर्ड में वो चाहिए यार, फायर एस्पेक्ट चाहिए, बिना फायर रेस्पेक्ट के मज़ा नहीं आता भाई को, ये ना जलाते नहीं है ना फिर वो फील नहीं आता है। चलो फटाफट से चलते हैं, हम लोगों को एक बेस्टियन रेमिनेंट ढूंढना है सबसे मेन, और उसके बाद हम लोगों को पता ही है खैर एक नेदर फोर्ट्रेस, पर नेदर फोर्ट्रेस में मेरे ख्याल से वो लूट जनरेट ही नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने लूटे हुए ना नेदर फोर्ट्रेस, तो हमें नेदर फोर्ट्रेस भी नया ढूंढना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से चलते हैं, ढूंढते हैं एंड ट्राई करते हैं कि जल्दी जल्दी बनाए। भाई मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, सच्ची में पता है हद से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस चीज़ के लिए, हद से ज़्यादा। लेट्स गो, मजाक से हटके सही में ये नया है क्या, नहीं नहीं ये तो टूटा टाटा लग रहा है बहुत, नया नया ये टूटा कैसे है पर इतना, व्हाट द हेक,
सामान भी मिल रहा है मेरे को यहाँ पे, डिस्पॉन भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे? ये वही है क्या? मेरे को सामान कैसे मिला यहाँ से? लग तो वही रहा है वैसे। हाँ ये देखो कितना कूड़ा कबाड़ा मिला मेरे को यहाँ से, ये मेरा ही कूड़ा है। ओ भाई डिस्पॉन नहीं होता कूड़ा इतनी देर में। ओ भाई ये भी देखो यहाँ पे, नहीं यार ये कुछ हुआ है यहाँ पे, कुछ फटा फूटा है देखो ना इतना। ये मैंने थोड़ा फेंका इतना कूड़ा भाई, किसी के घर में इतना कूड़ा थोड़ा करके जाऊंगा, इतना भी बुरा नहीं हूँ यार मैं। वही 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 और चेस्ट है यार, कम ऑन यार भाई। सबसे मेन चीज़ है वो अपग्रेड वाला, तुम समझ रहे हो, वरना नेदरराइट बन नहीं पाएगा। ये है तो यहाँ तो आया हूँ मैं, क्योंकि टॉर्चेस लगाए मैंने, सबसे मेन चीज़ है टॉर्चेस लगे, मतलब यहाँ तो आया हूँ मैं। पर हम लोगों को एक दो और चेस्ट मिल जाते ना बस यार, मेरे को नहीं लगता है इस वाले से अपना काम बनेगा। चलो निकलते हैं इधर से। उफ, बच गए भाई, मेरे को लगा नया रास्ता ब्लॉक डे पूरा। चलो ढूंढते रहते हैं, क्या करेंगे भाई, खोजबीन चालू रखते हैं और क्या होगा। ओई ओई फोर्ट्रेस, ओके ओके, आई जस्ट होप ये वाला फोर्ट्रेस भी मैंने लूटा ना हो यार प्लीज़, क्योंकि ये बिल्कुल बगल में है उसके, ठीक है, ये बिल्कुल बगल में है, तो ये फोर्ट्रेस मैंने लूटा ना हो। और एक और चीज़ ना मेरे पास लाइट का, यार एक तो कितना कूड़ा आ गया मेरी इन्वेंट्री में एकदम से भाई, ये कैसे, ये टूटा कैसे था ये खुद से, मेरे समझ में नहीं आई ये बात, कोई तोड़ के गया इसको, ऐसा हो ही नहीं सकता यार, मेरे वर्ल्ड में कैसा आ जाएगा कोई और यार। कम ऑन यार, कहीं तो होगा, एक ट्रिम चाहिए बस, एक ट्रिम भाई, इतना टफ मत बनाओ यार। दो चेस्ट, एक उसमें मैंने मतलब नेदर फोर्ट्रेस में चार चेस्ट तो दिखते ही हैं राइट। कम ऑन यार भाई, कम ऑन। ओके भाई, हम लोगों को उस फोर्ट्रेस में मजाक से हट के कुछ भी नहीं मिला, पर हम लोग को एक बेस्टियन मिल गया दोबारा। एंड आई डोंट थिंक सो ये लूटेड है, ये मैंने नहीं लूटा है ना, क्या ये मैंने लूटा है, ये है क्वेश्चन भाई सबसे बड़ा। टॉर्चेस या कुछ तो लगे भी नहीं दिख रहे। ओके इजी इजी बॉयज, इजी बॉयज, इजी बॉयज, बॉयज एंड गर्ल्स। अबे चलना है तू, चलना है तू, क्या छोटी तू भी मारेगा अब मेरे को भाई, मुझे बस हल्की सी लूट मचाने दो, हल्की सी लूट मचाने दो। लेट्स गो बॉयज, सफल हो रहा है धीरे धीरे, सफल हो रहा है भाई। लेट्स गो, निकलो इधर से भाई। हम लोगों को एक जरा नीचे आता हूँ भाई, हम लोगों को एक अपग्रेड टूल मिल चुका है, मतलब अब नेदरराइट अपग्रेड मिल चुका है, और एक स्नाउट आर्मर ट्रिम मिल चुका है, हमारा पहला आर्मर ट्रिम। कायदे से वैसे जो मैंने पहना हुआ है सेम वही है ये स्नाउट आर्मर। तेरे को कुछ काम धंधा नहीं है क्या? अरे कुछ काम धंधा नहीं है, चलो बढ़िया। अब हम लोगों को आजा 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 छोटू आजा, रुक 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 रुक, आप कहाँ भाग रहे हैं बताऊँ तेरे को, चोर कहीं का। चलो बढ़िया, अब देखते हैं अगर यहाँ पर ही आसपास हम लोगों को कोई फोर्ट्रेस भी मिल जाए और फोर्ट्रेस वाला ट्रिम भी मिल जाए। फोर्ट्रेस वाला ट्रिम यार, एक तो मेरे को ट्रिम के नाम भी याद नहीं, क्योंकि अभी तक देखे नहीं ना सारे के सारे ट्रिम्स, तो ऐसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर तुमने देखे हुए हैं या फिर कभी मिले हैं तो फिर याद रहता है, स्नाउट वाला मेरे को याद रहता, अभी रहेगा मेरे को, मतलब स्नाउट आर्मर ट्रिम कहाँ मिलता है ना, मेरे को वो चीज़ याद रहेगी। चलो देखते हैं, अगर हम लोग को एक फोर्ट्रेस मिल जाए तो अपना नेदर से काम हो जाएगा, लेकिन नेदर से काम तो नहीं होगा, वैसे हम लोग को नेदरराइट लेके आना ही है बाद में, बट एटलीस्ट अभी के लिए ट्रिम्स से तो अपना काम हो जाएगा। लाइक दो ही टाइप के ट्रिम्स तो मिलते हैं यहाँ पे, एक फोर्ट्रेस में और एक बेस्टियन में, और कुछ हो रे भाई साहब, एक और बेस्टियन है, कितने बेस्टियन है भाई, मैं तो कहता हूँ इसको भी लूट लो भाई मजाक से हटके भाई। अगर यहाँ पे मिल गया तो हमारे 60 डायमंड बच जाएंगे, समझ रहे हो तुम लोग, अपग्रेड ट्रिम तो मिल जाएगा और क्या पता 7 क्या 14 बच जाए, स्नाउट आर्मर ट्रिम भी मिल जाए। चलना चल 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 यार, ये कितना गंदा बेस्टियन है भाई, मजाक से हटके ब्रो, मेरे को तो बेस्टियन लूटने की जरूरत भी नहीं, मैं तब भी लूट रहा हूँ ताकि मेरे थोड़े डायमंड बच जाए भाई। अरे कुछ काम धंधा नहीं है क्या, चलना। अरे सॉरी तुम्हारे ही घर है, माई बैड माई बैड, मैं बोलने वाला था मेरे घर में आके मुझसे पंगे ले रहे हो, कुछ काम धंधा नहीं तुम्हें। मैंने ना इसको पूरा का पूरा लूट लिया, बस मेरे को एक और चेस्ट दिख रहा है, सो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना, अरे 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 थोड़ा सा जंप मिस हो गई कोई बात नहीं, होते रहता है, होते रहता है, लेट्स गो। एरोस रख लेते हैं थोड़े से ना, मेरे पास बो नहीं है फॉर सम रीजन। चलो बढ़िया, अपने पास देखो दो स्नाउट आर्मर ट्रिम हो चुके हैं, मैं तो बोलता हूँ रुको, इनको ना ऐसे खुले में मत रखो भाई, ये खुले में रखने लायक नहीं है, इनको ना इसमें डालो भाई, ये गलती से भी हाथ से गिरने गुरने कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले अपग्रेड ट्रिम रख लेते हैं, फिर हम लोग ऐसे करके बाकी सारे स्नाउट ट्रिम। वही वो कौन सा है, सिल्क टच यार, नाम देने पड़ेंगे यार इसको, सिल्क टच नाम दे दूंगा मैं इसको,
ऐसे छुई मुई रख दूंगा इसका नाम या कुछ रख दूंगा भाई, क्योंकि बार बार यार देखना पड़ रहा है कि कौन से में एन्चांटमेंट है। अब मेरे को पता है खैर पीछे वाले में जो अंडे चेस के पास वाला है उसी में वो एन्चांटमेंट भी है। अब चलो फटाफट से ढूंढते हैं नेदर फोर्ट्रेस एंड ट्राई करते हैं कि उस वाला ट्रिम भी हमें मिल जाए जल्दी जल्दी। भाई दो ट्रिम ढूंढने में हमारी हालत टाइट हो गई, मजाक भी नहीं कर रहा सच्ची। यस 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 लेट्स गो गाइस लेट्स गो। भाई मैंने लेजिट कम से कम नहीं भी तो दो नेदर फोर्ट्रेस नए वो भी ढूंढ लिए, मेरे को डायमंड मिल गए सब कुछ मिल गया, बट मेरे को ये नहीं मिला था भाई। ये तो सबसे ज्यादा भाई मेरे लिए कीमती हो गया अभी के लिए भाई, रिब आर्मर ट्रिम भाई ये। अरे यार बेवकूफ़ी देखो। चलो कोई बात नहीं, अपना वैसे भी नेदर में काम हो चुका है, अब हम लोग घर जाना है। चलो मैंने सही करा था भाई, मैंने बिल्कुल सही करा था जो मैं इतने सारे अपने साथ रॉकेट्स लेके आया हूँ, बिल्कुल परफेक्ट काम करा है भाई मैंने। ये लो भाई एक और, एक कितने हैं बेस्टियन भाई, एक एक नेदर फोर्ट्रेस के लिए चार बेस्टियन मिलते हैं, मेरे को ऐसी फील आती है। रुको यहाँ भी लूट ही मार लेते हैं, है ना फ्री का मिल ही रहा है तो। भाई देखो डायमंड बचे जिससे वो काम करो भाई, मैं तो ये बोलता हूँ बस। हाँ ये मत करना बस जो मैंने करा ना अभी अभी, ये मत करना गाइस। कुछ बच रहा है इससे भाई? ये तो भूसा भर रहे हैं भाई, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मार रहे हैं भाई। रुक जाओ वो एरिया राइट जहाँ पे चेस्ट ही चेस्ट है। ये यहाँ क्या कर रहा है फिर? निकल 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 निकल। अरे भाई क्या पत्थर का बना है क्या भाई, मरने को तैयार नहीं है। रुक जाओ भाई ये क्या था भाई, ये कैसा, ये तो पहली बार। अरे लेट्स गो बॉयज, नाइस नाइस नाइस। चलो भाई देखो मैं तो मानता हूँ काम ऐसे करो कि चार लोग बोले क्या डायमंड बचाए तूने रे। नहीं ये रख लेते बैनर यार फ्री के में। लेट्स गो जी जी मिलते हैं दोस्त। उधर भी था क्या? नहीं ना, चलो निकलते हैं भाई, ज़्यादा लालच भी अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है चलो बढ़िया, निकलते हैं इधर से और सीधे बाहर चलते हैं। अब हम लोगों को जाना पड़ेगा आउटपोस्ट ओशन ओशन मॉन्यूमेंट में, टेंपल में, डेजर्ट टेंपल में और एंशियंट सिटी में, या फिर मतलब एंड में, दोनों में से एक जगह देखते हैं जहाँ पर भी जाते पहले। अबे तू भाई अभी भी यहीं बैठा हुआ है। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं होम स्वीट होम पे। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसको तोड़ते हैं। ठीक है ये लेते हैं वापस अपना, और एक्चुअली मेरे को लगाना ही था बट ठीक है ना, तोड़ दिया कोई बात नहीं। चलो ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये डाल देते हैं और इसको डाल देते हैं। अब अपने पास तीन ही हो चुके हैं भाई, तुम समझ रहे हो ना इससे क्या बचा हमारा 21 हमारे 21 डायमंड्स बच गए इस चीज़ से सिर्फ और सिर्फ। ठीक है और मैं एक काम करता हूँ अभी के लिए, इसको रख रहा हूँ मैं, इसको अंदर ही डाल रहा हूँ भाई। ये वाली पिकैक्स से मेरे को कुछ करना भी नहीं, मेरे को कौन सा ये अभी माइनिंग करनी है, तो ये पिकैक्स को मैं अंदर ही डाल रहा हूँ अभी के लिए। यही वाली पिकैक्स बाहर रहेगी तो यही वाली पिकैक्स से तोड़ूंगा, तो मेरी गलती से भी गलती होने का चांस नहीं रहेगा, समझ रहे हो तुम लोग? तो ये चीज़ बढ़िया हो जाएगी। ठीक है और बाकी मैंने ये जो रखे हुए अपने, ये इसमें फायर रॉकेट भी है बढ़िया, मैंने इसमें ये सब भी रख लेता, तो इससे क्या होगा ना हमारा जितना भी कूड़ा कबाड़ा होगा ना वो रखने के लिए भी जगह हो जाएगी एक। ठीक है ये सारा का सारा फूड वूड भी सभी इसके अंदर रख देते हैं, स्वॉर्ड वर्ड पता नहीं क्या क्या मिल रखा है सब रख लो। चलो अपने पास दो टाइप के आर्मर हो चुके हैं, ठीक है मतलब ट्रिम्स हो चुके हैं दो टाइप के हमारे पास, आ चुका है रिब ट्रिम और हमारे पास आ चुका है स्नाउट आर्मर ट्रिम। ठीक है तो अब हाँ मेरे को भाई वो कन्फ्यूजन हो जा रहा है, मैं जरूरत गलती से ना तोड़ दूँ भाई फिर से बनानी पड़ जाएगी। चलो अपने पास ये सारी चीज़ें हो चुकी है, अब हम लोगों को क्या करना है गाइस, हम लोगों को लाने हैं बाकी के सारे। तो हम लोग सबसे पहले तो ढूंढेंगे, देखो तीन चीज़ों की तलाश में निकलते हैं, या तो फिर हम लोगों को मिल जाए प्लेजर आउटपोस्ट, या तो फिर हम लोगों को मिल जाए क्या कहते उसे प्लेजर आउटपोस्ट मिल जाए, या फिर हम लोगों को कोई टेम्पल मिल जाए, टेम्पल नहीं भी तो हम लोगों को एक ओशन मॉन्यूमेंट मिल जाए। ये तीन चीज़ों की तलाश में निकलते हैं, हम लोगों को कुछ ना कुछ मिल ही जाना है, तो ट्राई करते हैं कि इन तीनों में से एक ना एक जगह पर से लेके आएँ। और अगर हो सके अगर हम लोग बहुत दूर जाएं, क्योंकि सच्ची बता रहा हूँ हम लोगों को बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा अगर हम लोग, क्योंकि मैंने ये वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा खेल दिया यार, 2 साल हो गए तो मैंने ये काफ़ी ज़्यादा लोड कर दिया, तो आसपास तो कुछ मिलेगा ही नहीं। वो जो ट्रायल जैसे कुछ नया है ना 1.2 में, वो बेसिकली कुछ तो देखा मैंने, अब मैंने कन्फर्म नहीं पता कि वो क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो वो मेरे को 100% नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि यहाँ पर डेजर्ट ज़रूर है ना हम लोग, क्योंकि जब भी सैंड वैंड लेने आते थे मैं तो इधर ही आता था। गलत आ गया क्या मैं बोलते बोलते गलत आ गया क्या? ऐसा मत करना यार, नहीं आया ऐसा। ये क्या है, ये क्या है, हैं ये क्या था हैं? वो क्या था, हम लोगों के ऊपर आग के गोले जैसे आए ना, देखो तुमने ओके दैट वाज स्केरी ब्रो, क्या था वो? ओ भाई साहब मेरे बैस्टियन टूट रहे हैं, यहाँ ये सब हो रहा है, क्या चल रहा है इस वर्ल्ड में?
ओए ओए गाइस 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 लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो भाई बरीड चेस्ट के अंदर भी हम लोगों को मिल सकता है भाई, बरीड चेस्ट के अंदर भी तो एक ट्रिम होता है। लेट्स गो भाई प्लीज, ये लूटेड नहीं है बोल दे। यस लेट्स गो, सुई सुई ये भी चलेगा सुई। चलो निकलते हैं यहाँ पर से बाहर। बढ़िया 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 भाई, मैं बोल रहा था ना देखो हम लोग वहाँ पे क्या कुछ देखा मैंने। अच्छा सब है ना भाई, ठीक है चलो बढ़िया है बढ़िया। हम लोगों को क्या पता रास्ते में यहाँ पर कोई वो भी मिल जाए अगर हो सके तो। अरे एक मिनट भाई, जंगल भी तो है ना, तो यहाँ पर वो भी तो हो सकता है, जंगल टेम्पल जो होता है। कमॉन ब्रो, जंगल टेम्पल है क्या ये? छोटा सा जंगल भाई हमें यार, यार जंगल टेम्पल होता सोचो यहाँ पर, हम लोगों को उसका भी ट्रिम मिल जाता भाई। यहीं पे इसी के बगल में भाई एक और शिप रहेगा, बट हम लोग इसमें जाएंगे नहीं ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इसका मैप ना सेम हो जाए, होता है बहुत बार ग्लिच होता है ऐसा ठीक है। हम लोगों ने एक दिक्कत कर दी बस, हम लोग ना उड़ के आगे वहाँ पर से, हम लोगों ने शिप रैक का वो जो था सामान ढूंढा ही नहीं भाई, ये गलती हो गई। और मैं बेड भी नहीं लेके आया हूँ यार, छी किस्मत ही ख़राब है मेरी तो। चलो कोई नहीं, मैं तो बोलता हूँ इस वाले को फेंकते हैं फिर ठीक है। आई जस्ट होप मैंने उसको फेंक तो दिया मज़े मज़े में, बट कुछ उससे वो ना हो कि पता चला कि उससे काम हो। और एक मिनट रुको यार, मैंने भाई मैं क्या बोलता हूँ पता है, इस शिपरेक का चेस्ट लेते हैं, मतलब चेस्ट खोलते हैं ठीक है, और इसमें जो मिलेगा ना उसमें ट्राई करते हैं ढूंढने की। अब ये मत बोलना कि इसमें है ही नहीं, फिर ऐसा हो रहा है कि इसमें तो है ही ना। अरे क्या हो गया बंदे के कहीं से? बढ़िया। अरे ये क्या है? अरे ये देखो भाई मिल गया, ऐसी मिल गया भाई, लेट्स गो सू भाई, ले ऐसी मिल गया। जी जी बॉस, जी जी। अरे कितना कूल लग रहा है दिखने का, ये तो अभी तक का सबसे कूल है। रुक जाओ एक काम करते हैं, पहले सोने जाते हैं भाई। वो विलेज कहाँ देखा था हम लोगों ने? विलेज इस साइड देखा था सब, है ना भाई? हमको बिल्कुल लग के था ना वो विलेज। भाई जाके उधर सो जाते हैं पहले, और फिर देखते हैं ट्रिम के मजे भाई। नहीं कहीं पे देखा था मैंने विलेज, लाइट जलनी चाहिए विलेज की, दूर से दिख जाएगा। हाँ वहाँ पर है, नहीं ये क्या है? अच्छा ये तो वही जगह है। चलो चलो भैया जी, मुझे एक रात के लिए यहाँ पे सोने दे दीजिए। भाई जो भी सो रहा है अंदर हट जाओ यार प्लीज़ भाई, मेरे को सुन दो, सुबह करवा दूंगा तुम्हारी, तुम्हें मॉब्स भी नहीं मारेंगे। मुझसे अच्छा आदमी कोई मिलेगा तुम्हें बताओ? तुम्हारे बेड छीन के सो रहा हूँ मैं तुम्हें, ताकि तुम आराम कर सको। तुम समझ नहीं पा रहे हो ये बहुत लंबी बात है भाई। ये देखो भाई ये कूल लग रहा है बहुत ज़्यादा ट्रिम भाई, अभी तक का सबसे कूलेस्ट ट्रिम है मजाक से हट के, और मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे बड़ा ट्रिम भी है। देख रहे हो पूरी जगह घेर दे रहे। ओके वो भी दो मिले एक साथ, लेट्स गो भाई। ये हुई ना बात, धीरे धीरे मतलब हमारे डायमंड बच रहे भाई, मजाक भी नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे पास डायमंड की कमी है, बट हमारे डायमंड बच रहे हैं। चलो बढ़िया निकलते हैं ठीक है। फूड वूड की कमी तो नहीं है अपने पास जहाँ तक मुझे पता है। कूड़ा फेंक देते हैं अपना जितना भी हम लोगों ने जमा कर लिया है, ये फेंको ये फेंको ये फेंको, और चलो निकलते हैं भाई लेट्स गो। हम लोग को शिपरेक का मसाला ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है भाई, हम लोगों को ऐसे ही मिल गए ट्रिम्स। जी जी भाई जी जी। अब हम लोगों को बस क्या करना है, हम लोगों को ढूंढना है या तो फिर हम लोगों को, अब देखो वापस ही देखते हैं, पिलेजर आउटपोस्ट, वुडलैंड मैंशन। यार इस साइड से मैं आया था शायद ना, हाँ इस साइड से मैं आया था। तो हम लोगों को या तो पिलेजर आउटपोस्ट ढूंढना है, तो वुडलैंड मैंशन ढूंढना है, या तो फिर हम लोगों को क्या कहते हैं ओशियन मॉन्यूमेंट ढूंढना है, या तो फिर हम लोगों को डेजर्ट टेम्पल ढूंढना है ठीक है। इनमें से एक ढूंढना है हम लोगों ने, ताकि हम लोगों को अगली वो मिल सके ट्रिम। हमारे पास तीन टाइप के ट्रिम्स हो चुके हैं, बट अभी तो और चाहिए। ले भाई एक और। कितने शिप रैक भाई, कैसी जगह है ये, इतने शिप कैसे टूट रही हैं यहाँ? मेरे लिए तो बढ़िया ही है भाई, मेरे डायमंड बच जाएंगे अगर यहाँ पर भी मिल गया मुझे। ये ले भाई ले, बढ़िया भाई हम लोगों को चार मिल गए भाई। ले हम लोगों को करना ही नहीं है अब, हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं है भाई इसके ट्रिम को कॉपी करने की। लेट्स गो भाई, ये होती है किस्मत भाई, ये होती है किस्मत। मैं तो बोलता हूँ यहीं पर ओशियन भी है ना, थोड़ा सा ओशियन में भी टहल के आते हैं ठीक है, और ऐसा ना हो कि ओशियन में टहल लें तो डेजर्ट का वो छूट जाए। कम ऑन यार, एक ओशन मॉन्यूमेंट मिल जाए अभी मज़ा आ जाएगा भाई। भाई ये चीज़ है क्या, ये इतने दिख रहे हैं ना अब, मतलब वैसे दिखते ही थे ये, बट ये है क्या इधर? ओ है चेस्ट है सही, और कुछ नहीं फालतू ही है वो, ये वो जो ओशन कुछ बोलते हैं यार इनको, मैं भूल गया, ओशन रेमिनेंट्स ऐसा कुछ। ओ इधर पे वो भी है, लेट्स गो भाई। क्या पता गाइस मैं मजाक नहीं करूँगा, क्या पता हम लोगों को यहाँ पर एक वो मिल जाए भाई, जंगल टेम्पल। प्लीज़ भाई प्लीज़ प्लीज़ यार, एक जंगल टेम्पल तो मैं भी डिज़र्व करता हूँ यार, कम ऑन गाइस। एक जंगल टेम्पल बस, एक जंगल टेम्पल, और देखते वहाँ छुपा रहता है वो, चारों तरफ से उसके पेड़ पेड़ होते हैं, पता भी नहीं चलता है, पास हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा ऊपर से देखता हूँ, आई डोंट थिंक सो है इधर। क्या बीटी है भाई ना ओशन मॉन्यूमेंट भाई, पता दिक्कत
भाई लेट्स गो भाई। पता दिक्कत क्या हो रही है मेरे को ना, दिख रहा है, आई होप बस ये वाला वैसे लग नहीं रहा है, क्योंकि मैं ना चिथड़े उड़ाया था चीज़ों के जिससे मैं लूटने जाता हूँ उनको, ठीक है, तो इसीलिए ये लग तो नहीं रहा है लूटेड है। लेट्स गो, चलो ये तो हो गया, प्लीज मिल भी भाई यार, लेट्स गेट ब्रो। ओ भाई लेट्स गो, स्मिथिंग टेम्पलेट मिल गया हम लोग को एक और, देयर वी गो गाइस। इसी के साथ हम लोग ने जवाब लिया है पूरक परा कदा यार कितना गंदा लग रहा है सुनने में, 1 2 3 4 टाइप की स्मिथिंग टेम्पलेट हो चुके हैं हमारे पास। हमारे पास ड्यून आर्मर ट्रिम भी हो चुका है। ड्यून आर्मर ट्रिम वैसे सच्ची बताओ तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है दिखने का, बट अब क्या बात है भाई, हम लोगों को तो कलेक्ट करने है ना, तो हम लोगों को तो सब चाहिए, जो नहीं भी दोगे वो भी ले लूँगा मैं तो। अरे जाने दो भाई, अरे जाने दो भाई, अरे जाने जाने दो भाई निकलने, आदमी को जाने भी नहीं दे रहे भाई। चलो बढ़िया, हम लोगों को ये भी मिल गया, हम लोगों को डेजर्ट का भी ज़्यादा नहीं है, हम लोगों को ट्राई करना है कि या तो फिर हमें पिलेजर आउटपोस्ट मिल जाए, या तो फिर हम लोगों को वुडलैंड मैंशन मिल जाए, या तो फिर हम लोगों को जंगल टेंपल मिल जाए, या तो फिर हम लोगों को ओशन मॉन्यूमेंट मिल जाए, ये चार में से एक, ठीक है। क्योंकि दो तो देखो, दो तो हम लोगों को एंशियंट सिटी में मिलेंगे, दो एक हम लोगों को एंड सिटी में मिलेगा, ठीक है। तो 1 2 3 फिर ओशन मॉन्यूमेंट, फिर डेजर्ट टेंपल, फिर तुम्हारा वुडलैंड मैंशन, 6 4 हमारे पास है, 10 और 4 मिलते हैं उसमें, 2 और बच रहे, 2 कहाँ बच रहे हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ना एक कॉपी में लिखना पड़ेगा ये, अगली बार से जब भी मैं करूँगा ना ये चीज़ें भाई, मेरे को एक कॉपी में लिख के रखना पड़ेगा कि क्या ढूंढ लिया मैंने, क्या नहीं ढूंढा है। कसम से इतना ज़्यादा कन्फ्यूज मैं आज तक नहीं हुआ भाई। ओशन मॉन्यूमेंट की तलाश में मैं तब से घूम रहा हूँ, मजाक नहीं करूँगा मैं ना, थोड़ी देर में पागल ही हो जाऊँगा भाई, क्या बोलूँ भाई, प्लीज़ मिल जा भाई, कितना ओशन छान मारूँ मैं, लोड भी नहीं हो रहा है, सोचो। फिर ज़मीन आ गई ना, नहीं यार, कम ऑन ओशन मॉन्यूमेंट यार, मिलने को मजाक से हट के जहाँ पर मैंने घर बनाया भाई, अभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा दूर, ये क्या है भाई, अभी भी हम लोग घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, मैं क्लियर बता दूँ, हम लोग मुश्किल से 1000 ब्लॉक के आसपास दूर होंगे, बट भाई इस एरिया को अगर मैंने एक्सप्लोर ही नहीं करा तो यहाँ पर यार मिलना तो चाहिए, मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए भाई, ठीक है। नहीं मिल रहा है तो फिर नहीं मिल रहा है वाली बात भी है, फिर क्या कर लोगे तुम वाली चीज़ है, पर मिलना तो चाहिए यार, कम ऑन ब्रो, कम ऑन, जस्ट 1 ओशन मॉन्यूमेंट और उसके अंदर मुझे बस एक ट्रिम दिला दो, कोई बात नहीं, मेरे को भाई उनको कॉपी करना पड़ेगा, 21 डायमंड्स लगेंगे, बट आई विल डू इट, मैं कर लूँगा भाई, कम ऑन भाई, लिटरली इतना ज़्यादा हो गया है ना अभी स्ट्रेस कि लोड तक नहीं हो पा रहा है, अभी देख रहे हो ओशन, और मैं अभी रेंडर डिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो फिर लैग ना हो, ये देखो लोड ही नहीं हो रहा है, कम ऑन, हो जा मिल जा, कम ऑन ब्रो, कहीं तो होगा, कहाँ होगा यार, ढूंढते रहो यार, एक तो इतना ओशन में मेरे को गुस्सा आ रहा है बस यही चीज़ को देख के भाई, लोड ही नहीं हो रहा है, आधे घंटे तक देखते रहो, अब ऐसी शैल हो जगह पे तो नहीं होगा यार ओशन मॉन्यूमेंट भाई। ले एक और शिपरेक मिल गया, मेरे को चाहिए भी नहीं भाई इसका ट्रिप, लेट्स गो, एक मिनट, नहीं सॉरी, व्हाट, अरे यार नहीं यार, मैं भी तो दिमाग ख़राब है ना मेरा, ओशन मॉन्यूमेंट भाई आ ही गया था तो मेरे को दूध भी तो लेके आना चाहिए था, अभी कितने कितने मिनट का, 3-5 मिनट का लग रहा है, मैं 5 मिनट थोड़ी ना वेट करूँगा यहाँ पे यार। गाइस एक बार मेरे को घर जाना पड़ेगा, मैं यहाँ के कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ और वापस आते हैं दूध लेके। चलो चलो यहीं कहीं होना चाहिए, यहीं कहीं, हाँ ये रही वो शिपरेक, देयर वी गो, चलो अब चलते हैं सीधे और इसको बताते हैं भाई, रुक जाए इससे पहले ये लगाए हमको इसको, भाई मैं बहुत दुखी हूँ इन लोगों से, अरे कैसे भाई कितने हैं ये, अरे व्हाट, देयर इज नो वे मैं मर गया भाई, अबे कैसे गार्डियन हो भाई तुम, तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हो नल्ले गार्डियन है भाई नल्ले, भाई आप दे रहा है डैमेज भाई, गिरा भी रहा है, भाई
भाई तीन तीन एक ही जगह पे बैठे हुए मिल गए, और किसी ने कुछ गिराया भी नहीं, ये क्या था भाई? मतलब मैं इतना दूर दूध दूध लेके फालतू आया? ले भाई और है इसका मतलब अंदर, और है भाई, ये काफी नहीं था भाई, बस मेरे को याद रखना ठीक है रास्ता कहाँ है जाने का। ढूंढो भाई ढूंढो इसको फटाफट, इसको ढूंढो, मेरे को लग रहा है यही गार्डियन है जो हम लोगों को दे, ये रहा। यस, मजाक हो गई भाई, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, मुझे यहाँ पे एक मिनट वेस्ट नहीं करना है, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है भाई इसकी वजह से, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ इससे पहले कि ये दोबारा से लगा दे, मेरे पास दूध भी नहीं है मजाक से हट के भाई, मैं तोड़ के निकल रहा हूँ भाई, हटो, मेरे को टाइम भी नहीं है इतना फालतू का, मुझे जाने दो भाई। अरे तैरना ब्रू, चलो मेरे लाइटर टूटने वाला है वैसे। बेस्ट भाई बेस्ट भाई, फाइनली 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 भाई हम लोगों को मिल चुका है एक और ट्रिम भाई, मजाक से हट के रे, पहले तो ओशन मॉन्यूमेंट ही नहीं मिला, फिर वो तीन बंदे एक साथ आ गए और तब भी नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो तुम, तीन बंदे एक साथ आ चुके हैं फिर भी नहीं मिल रहा है, गलत जा रहा हूँ मैं ना, इधर को वो ही नहीं है, हाँ इधर को वो रेड शिप नहीं है ना, रेड शिप की साइड से आया था मैं, कहाँ है मेरा घर, चलो घर चले हम, ला ला ला, समझ रहे हो स्कूल, हाँ ये रहा, चलो फटाफट से घर चलते हैं और फिर देखते हैं हम अगला कहाँ जा सकते हैं। तो गाइस मैं मजाक नहीं करूंगा, ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी क्योंकि मेरे को ऑलरेडी कम से कम नहीं भी तो 4 से 5 घंटे खेलते हुए ही हो गया, मैं इसको कैसे काट काट के 1 घंटे से कम करूंगा मेरे को नहीं पता है, बट हम लोगों के पास 5 ट्रिम्स हो चुके हैं, हम लोगों को अभी भी कितने 11 ट्रिम्स और चाहिए, मैं सोच रहा हूँ टोटल 16 ट्रिम्स है, हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग एटलीस्ट 8 ट्रिम कर ले इस वीडियो में, ताकि 8 अगली वाली में कर सके, ठीक है, तो हम लोग ट्राई करते हैं, हम लोग को पिलेजर आउटपोस्ट एंड सिटी और एक और कोई मिल जाए, ठीक है, पिलेजर आउटपोस्ट एंड सिटी और एक और कोई भी जो भी चलेगा मेरे को, जंगल अगर मिल गया तो जंगल सही, जो मिल जाए वो चलेगा मेरे को अभी के लिए, तो मजाक से हट के, ठीक है, तो चलो फटाफट से चलते हैं, ट्राई करते हैं ढूंढने की, ठीक है, एंड सिटी पे लास्ट में आएंगे क्योंकि हमें कन्फर्म पता है एंड सिटी कहाँ पर है, बट हम लोग को सबसे पहले पिलेजर आउटपोस्ट ढूंढना पड़ेगा, मैं तो बोलता हूँ पता है क्या, जो पिलेजर आउटपोस्ट मेरे को पता है ना उसके आसपास ढूंढने की ट्राई करते हैं, उसके आसपास इन द सेंस मतलब कि उधर को, इंस्टेड ऑफ कि हम लोग ऐसा रैंडम शॉट मारें, क्योंकि इस जगह के आसपास जहां पर मैं हूं, यहां पर तो मैंने शीप क्या कर रही है, यहां पर तो मैंने ऑलमोस्ट सभी कुछ छान मारा है, राइट, अगर हम लोग उस साइड को जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, और नई चीज़ें भी स्पॉन होंगी, नई चीज़ें स्पॉन होंगी तो तुम समझ रहे हो कि हम लोग को और भी ज़्यादा वो कर सकते हैं, सामान सुमून मिल सकता है ना, मैंने यहीं कहीं से रास्ता बनाया था, कहाँ से बनाया था, तो यहाँ से तो नहीं होगा, अरे मत कर यार, मेरे को नहीं मारने में इंटरेस्ट है तेरे को भाई, यार मरने के बिल्कुल ऐसा हो चुके हैं ना ये, बिल्कुल हमको मारो भैया, हम मरना चाहते भैया, हमको मारो प्लीज़, चलो इस साइड से शायद से यहाँ पर मैंने लगा रखा है ना ये, हाँ वो रहा देखो, चलो बढ़िया, फटाफट भागते हैं यहाँ पर से, सीधे जाते हैं वहीं पर, चलो 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 भाई, इतना गंदा रास्ता काटा है ना मैंने, बाय गॉड इतना गंदा रास्ता, जितना गंदा हो सकता था उतना गंदा रास्ता भाई, थोड़ा भी नहीं, और दोबारा से वही गंदा रास्ता आने वाला है अब, है ना, फिर यहाँ से कहाँ को है? ये रहा, हम लोग आ चुके हैं पिलेजर आउटपोस्ट पे, ये मैंने लूटा भी है वैसे, जस्ट सेइंग, हाँ लूटा तो है मैंने, वैसे भी इसमें स्पॉन भी नहीं होगा क्योंकि ये 1.20 से पहले बना हुआ है ना पिलेजर आउटपोस्ट, ठीक है, तो देखो अब अच्छी चीज़ क्या है यहाँ पे, मारो मारो एक दूसरे को मारो, अरे यहाँ पर तो वो भी रुको, बैड ओमन भी ले लेते हैं यार, कैप्टन साहब आए हुए हैं तो बैड ओमन भी लेते ही चलते हैं, चलो मैं तो निकल रहा हूँ भाई, तुम लड़ते रहो ठीक है, आ रहे हैं क्या पीछे भी बेसरम है भाई, चलो देखते हैं हम लोगों को जंगल टेम्पल मिल जाए, आउटपोस्ट मिल जाए, या फिर वो जो ट्रायल रूइंस करके है वो मिल जाए, कुछ भी मिल जाए मैं तो खुश हूँ भाई, कुछ भी दे दो मुझे तो, बस दे दो यार, मेरे को सच्ची में लगा था थोड़ा इजी होगा भाई, लेकिन फिर जब दिखता है ना कि भाई तुम्हें समझ रहे हो तुम 16 टाइप की अलग अलग जगहें ढूंढनी है, वो है डिफिकल्ट पार्ट, और ये देखो ये लोड ही नहीं हो रहा है भाई, ओए एक मिनट व्हाट, इजी, काइनेटिक एनर्जी से मत मरना, दोस्तों तुम समझ रहे हो ना मैं क्यों जा रहा हूँ नीचे, ओए डायमंड, अरे यार चलो बढ़िया है,
इसको उससे तोड़ लूंगा बाद में। मेरे को लगा था यहाँ पे क्या पता हम लोगों को एंशियंट सिटी दिख जाए, अगर दिख जाती तो मैं तो घुस जाता भाई। वहाँ पर कम से कम नहीं भी तो दो ट्रिम्स मिलते हैं पता तुम्हें एंशियंट सिटी में, तो अगर हम लोगों को दो ट्रिम मिल जाए तो बुरा क्या है राइट, एक बारी में दो ट्रिम वाली चीज़ हो जाती भाई। हाँ वार्डन से लड़ना पड़ जाता वो थोड़ा दिक्कत की बात है भाई, वार्डन बहुत मेरे हिसाब से तो माइनक्राफ्ट में सबसे हार्डेस्ट मॉब वार्डन ही है, और सबसे लुल बॉस मॉब, तुम समझ रहे हो बॉस मॉब जो होता है सबसे लुल बॉस मॉब तो भाई मेरे को यही लगा, ये क्या कहते हैं उसे एल्डर गार्डियन। तुमने देखा तीन एल्डर गार्डियन से मैं ऐसी सामने सामने लड़ लिया खड़े होके, बिल्कुल एकदम चिल मार रहा हूँ मैं, मतलब चिल भी नहीं मार रहा था, मरने वाला था बट फिर भी समझ रहे हो तीन जनों से ऐसी मजे मजे में लड़ लिया। वार्डन इसी आर्मर में मेरे को भूत बना देगा मजाक से हट के भाई, उसको उससे देख के लड़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो भाई ना आउटपोस्ट मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, अब बस एक जंगल टैम भाई, लेट्स गो भाई। मैं मजाक नहीं करूँगा, मैं आप पिछले आधे घंटे से सिर्फ रो रहा हूँ पता है कि क्या चल रहा है। अब वो खो गया भाई, लो कहाँ गया वो, अब कहाँ गया वो सही में हैं पूरा मैं डर गया था मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा भाई मेरी मैं डर चुका था भाई। चलो बढ़िया, कोको बीन्स यार यहाँ पर एक सीक्रेट चेस्ट भी तो खुलता है कहीं से। हाँ उससे, अरे 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 भी मारा है भाई ने बहुत तेज भाई बहुत तेज। लेट्स गो बॉयज लेट्स गो, हम लोग को मिल चुका है वाइल्ड आर्मर ट्रेम। निकलो 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 भाई, एक मिनट रुको ये भी कर ही देते भाई। ओए खुल गया, व्हाट अ हैक, पहली बारी में नहीं खुला। ये क्या था यार, ये क्या बदतमीजी है मुझे बताओ कोई। खुल गया क्या भाई, क्या पता यहाँ पे दो वो देखो पूरा नहीं है जी। चलो चलो निकलो बाहर को निकलो, पूरा तोड़ दिया ना मैंने वो, ख़राब कर दिया ना। हाँ पानी डल गया, चलो बढ़िया है भाई। अपने पास एक और ट्रिम आ गया, सबसे पहले इसको डालते हैं अंडर चेस्ट में, देर वी गो। अब अपने पास कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, हम लोगों को दो और चाहिए एटलीस्ट इस वीडियो के लिए। तो भाई मेरे को चाहिए, मैं बता रहा हूँ भाई मेरे को लगेगा आज मेरे को ऑलमोस्ट नहीं भी तो मान के चलो 6 घंटा तो एटलीस्ट हो चुका है इसको करते करते, बट मैं करूँगा भाई। चलो निकलते हैं यहाँ पर से, अब ट्राई करते हैं एक आउटपोस्ट ढूंढने के एटलीस्ट, क्योंकि हमें पता है एक तो एंशियंट सिटी में है ही, एक एंशियंट सिटी तो हमें ढूंढना है। ट्राई करते हैं एक आउटपोस्ट मिल जाए, आउटपोस्ट नहीं भी तो एक वुडलैंड मैंशन मिल जाए, दोनों में से कुछ भी मिल जाए भाई एट दिस मोमेंट। हम लोग के पास देखो कहाँ कहाँ के हो चुके हैं, नेदर फोर्ट्रेस हो चुका है, बैस्टियन हो चुका है, जंगल हो चुका है, ओशन मोन्यूमेंट हो चुका है, हम लोग के पास वो हो चुका है डेजर्ट टेम्पल का हो चुका है, 5 हो चुके हैं अपने पास है ना, और भी हुए मेरे हमारे पास मेरे ख्याल से 5 थोड़ा है हमारे पास, 6 है ना, 2 ही तो चाहिए हमें, 6 है हमारे पास पक्का, 1 2 हाँ रिब आर्मर उधर का हो गया, ये दोनों तो नेदर के हो गए, ये अपना उसका हो गया नीचे का स्मिथिंग, ओह यस रेक्ड शिप भूल जा रहा हूँ मैं बार बार, रेक्ड शिप से भी तो मिला है हमें। चलो चलते हैं फटाफट से ट्राई करते हैं एक आउटपोस्ट ढूंढने की, और उसके बाद हम लोगों को पता ये यार काश इनमें भी मिलते भाई, ये इतने दिखे हैं ना मेरे को, इतने दिखे हैं ना, काश इनके अंदर भी मिलता, और इनके अंदर मिलता ही नहीं, अगर नहीं भी मिल जाए तो एटलीस्ट एक गोल्डन एन्चांटेड एप्पल। चलो चलते हैं फटाफट, ठीक है भाई, एक टाइम था गोल्डन एन्चांटेड एप्पल तुम अपने हाथ से बना सकते थे पता है, तुमको 8 ब्लॉक में वो रखने होते थे बाहर के क्या कहते उसे गोल्डन ब्लॉक्स, गोल्ड के ब्लॉक्स, और उसके बाद तुम्हें अंदर बीच में एक एप्पल रखना होता था गोल्डन एन्चांटेड एप्पल, कितना ओपी मतलब हद ही नहीं हो गई थी। सोचो तुम सोचो बंदे के पास 64 गोल्डन एन्चांटेड एप्पल पड़े हुए, वो खाए जा रहा है मारे जा रहा है भाई, मर ही नहीं सकता आदमी गोल्डन एन्चांटेड एप्पल में, तुम्हें अगर 7-8 बंदे भी मार रहे हैं ना भाई, मैं मानता हूँ कि तुम तब भी निकल सकते हो अगर तुम्हारे पास लाइक अनलिमिटेड हैं तो, मैं तो यही मानता हूँ भाई। आर्मर होना चाहिए मैक्स, धड़ाधड़ मारो, रीजन के पोषण मारो भाई, ख़त्म भाई, मारते रहो बस, मैं तो यही मानता हूँ, इसीलिए तो इतना ज़्यादा वो है वो ओपी है, और इतना ज़्यादा नहीं मिलता है मतलब इतना ज़्यादा रेयर है भाई, रेयर तो पता है क्या हो गया है, रेयर है एक आउटपोस्ट मिलना इस जगह पे भाई। लेट्स गो गाइस लेट्स गो, अरे नहीं 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 ऊपर कोई रहो, ऊपर कोई रहो, अबे ये तू ऊपर क्या कर रहा है भाई, व्हाट द हेक, अरे कितने आ गए यहाँ, व्हाट, निकल निकल नीचे को निकल, ओ भाई कितने आ गए यहाँ पे, ओ भाई साहब यहाँ रेड हो रही है क्या भाई, प्लीज बोल दो यहाँ पे, यस भाई है भी यहाँ पे भोपू भी है भाई, लेट्स गो पा 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 पा।
देयर वी गो गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 सात के साथ ट्रिम हो चुके हैं, इसको निकालो जेब में। अब हम लोगों को बस एंड जाना है, और कुछ भी है यहाँ पे बॉटल ऑफ एन्चेंटिंग रख लेते हैं बस एक अपने साथ, है ना। एक ये मैप यार, ये लो मेरी तरफ से मैप रखो तुम लोग, ठीक है। हाँ क्या चल रहा नीचे? हेलो दोस्तों, व्हाट्स अप, आओ नीचे आओ, बड़े बहुत मारूंगा। चलो एक एक तो फ्लाई बाय मारते हुए चलते हैं, ये ले। चलो अब निकलते चुपचाप। चलो गाइस सीधे घर चलते हैं, निकलते हैं एंड सिटी के लिए, अपना लास्ट ट्रिम लेके आते हैं। 8 ट्रिम्स हम लोगों ने जमा कर दिए हैं, मेरे को सच्ची में बदाक चढ़ के इतना ज़्यादा, कैसे बताऊं भाई, मेरा दिमाग जो है ना वो अब इतना रिलैक्स हुआ है ना भाई, अभी मेरे को पता नहीं एंड सिटी वाला मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या सीन है क्या नहीं है। बट भाई तुम लोगों को ना ऐसे दिख रहा होगा ये कि मैं, क्योंकि सीधी सी बात है मेरे को भाई अभी इसके बाद जाके बनाने भी आर्मर्स, तो मुझे तो पता है टाइम बहुत लगने वाला है अभी भी, तो तुम लोगों को ये ट्रिम कैसे दिख रहे होंगे पता है, मैं इधर से आया ही नहीं हूँ भाई। भाई तुम लोगों को ये कैसे दिख रहा होगा पता है ट्रिम मिलते हुए, तुम लोगों को दिख रहा होगा कट ट्रिम मिल गया, कट ट्रिम मिल गया। भाई जो मेरी हालत हो रही है ना यहाँ पीछे भाई, सिर्फ और सिर्फ इन स्ट्रक्चर्स को ढूंढते ढूंढते ही भाई नेक्स्ट लेवल हो रखा है, नेक्स्ट लेवल एकदम, क्या बोलूँ अभी। चलो भाई फटाफट चलते हैं, लाला ली लाल देखो कैसे सेंटर से निकला। चलो चलते हैं फटाफट से घर की तरफ को, -750 AD -750 सीधे घर। तो गाइस वो टाइम आ चुका है कि अब हम लोग निकले सीधे एंड के लिए, हम लोगों के पास लेजेंड सारे 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके हैं। एक और चाहिए हम लोगों को बस ट्रिम आज के लिए, और फिर एटलीस्ट इनमें से हाफ को तो हम लोग लाइक कर पाएंगे लेवल अप। तो इट्स टाइम टू गो गाइस, चलो चलते हैं फटाफट से डायरेक्टली एंड की तरफ को। मैंने सब कुछ रख लिया अपने पास, फूड वूड सब है मेरे पास, अब मेरे को बस एंड में जाना है और जाके ट्रिम ढूंढना है भाई, ठीक है। चलो फटाफट से चलते हैं, ठीक है। ट्रिम 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 मिलेगा हमें एंड में, राइट। तो चलो फटाफट चलते हैं, देयर वी गो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, लाला ली लालो, चलो ठीक है, देयर वी गो, चलो 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 चलो, बस ठीक है एंड आ गए हम लोग। अब चलते हैं सीधे एंड सिटी की तरफ को, जो कि होनी चाहिए एंड सिटी। एंड सिटी का बैरियर कहाँ है, दिख के नहीं रहा वो है बोरा। ये बदतमीजी है, चीटिंग है। चलो डायरेक्ट इसके अंदर जाएंगे, देखो उड़ता ही फिरूं हवाओं में कहीं। अब अच्छी चीज़ क्या पता है, हम लोग इसको फॉलो करके एक एंड सिटी ढूंढ सकते हैं, और मैंने आई होप ना लूटी हो, वैसे तो लूटी है मैंने कम से कम 2-3 एंड सिटीज़ लूटी हैं, बट मैं ना ज़्यादातर मेनली जाता था बोट के लिए, क्योंकि सीधी सी बात है कि तुम्हें बोट चाहिए होती थी, राइट। तो आई गेस एंड आई होप अगर इसमें हो तो, अगर माल मसाला थोड़ा बहुत पड़ा रहे यार, ये तो है ना, मैं बोल आना भूल गया, सबसे बड़ी गलती थी मेरी, बो नहीं लाया हूँ मैं। वो भाई साहब अभी तक ट्रैवल कर रहा है वो यार, 1-2 चेस्ट दे दो बस, जिसमें हमें, मुझे बस एक ट्रिम चाहिए भाई, मैं बस एक ट्रिम लेना है वो, दोस्तों मेरे प्लीज़ यार मत मारो ना यार, मैं एक ट्रिम लेना है वो बस। मेरे ख्याल से मुझे दूसरी एंड सिटी ढूंढनी पड़ेगी, इस वाली में वैसे भी लूटेड है ये मोस्ट प्रॉब्ली पूरी की पूरी। बस यार वही है कि लाइटर के लिए तो हमें नहीं चाहिए, ओ मेरी लाइटर टूटने वाली, शिट रुको आ जाओ बेटे, मेरी लाइटर में HP कौन भरवाएगा, कौन भरवाएगा, मैं भरवाऊंगा दादा, मैं भरवाऊंगा, लाओ मुझे मारो, अपनी लाइटर ठीक करवा लो। अरे यार मेरा आर्मर ले जा रहा है सब कुछ, है ना, मेरा आर्मर ले जा रहा है पूरी, कोई बात नहीं पहले आर्मर भी कर लेते यार, मैं आया ही था, मैंने वहीं पर कर लेना चाहिए था, नहीं Everybody sing, la la la, it's your boy, he, la la la, it's your boy, la li 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 li। भाई परफेक्ट जगह पे आ गए हम, तो गलती से ही आ गए, पर मतलब गिर के ना सीधे, अबे चलना वे, लबड़े लबड़ी, ला 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 कर रहे अंदर, अबे यार कम ऑन ब्रो, डोंट डू दिस टू मी, बोट में ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ। अरे यार ये इंस्टेंट हेल्थ नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए तेरी इंस्टेंट हेल्थ, देखो जरा ऊपर तो नहीं पड़ा हुआ कुछ, कुछ माल पटाखा ऊपर भी रखते हो आप, नहीं रखते हो, बदतमीज हो ना, क्यों रखोगे माल, ले क्यों ही रखोगे आप भाई। यार अब मेरे को एंशियंट सिटी लूटनी पड़ेगी, वो भी इन बीच हबड़े हुबड़े के बीच में, यार मेरे को सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग यही मॉब लगते हैं भाई, हबड़े हुबड़े भुड़ 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 हड़ ये कैसी बदतमीजी है, मतलब नीचे से रास्ता ठीक है लेकिन कुछ तो देना चाहिए था ना नीचे वाले के लिए भी भाई। अब यहाँ पे पार्कोर करो, मैं भी गधा हूँ, मैं क्यों करूँ पार्कोर, क्यों करूँ मैं पार्कोर, रुक जा तुझे बताता हूँ, रुक जा पर यार रुक जा,
हैबड़े हुबड़े कर रहे ना। ओके देखो मैं बताता हूँ तुम लोगों को कहाँ पे मिलते हैं चेस्ट। एक तो देखो इसके अंदर मिलना चाहिए हमें, ठीक है, टॉप पे ही मिलना चाहिए। मतलब इरिटेटिंग पर्सनैलिटीज माई फ्रेंड्स, इरिटेटिंग पर्सनैलिटीज दीज पीपल आर सो इरिटेटिंग कांट टेल यू। चलो इसको तोड़ो, कहीं तो होना चाहिए था, यहीं पे होना चाहिए था। हाँ मारो मारो, बढ़िया ले जाओ भाई। उड़ता ही फिरूं एंड सिटी में कहीं, ला ला ली ला लो लो ला ली 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 ली, कोई प्लेटफॉर्म में ही तो गिर जाऊं, चलो मैं चलूं ऊपर को। बेटे कर मत देना बदतमीजी मुझसे अब, तोड़ भाई इसको हटाओ। कौन है? हबड़ 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 हबड़। कहाँ मिलेगा सामान? मारो 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 जरा छोटू को, मारो मेरे को। अरे तो कुछ ज़्यादा ही है भाई यहाँ पे, थोड़ी ज़्यादा नहीं है? जाएगा नहीं जाएगा? हाँ बेटे बहुत मारता हूँ मैं, ध्यान से रहना थोड़ा। ओके गाइज यू कैन स्टॉप नाउ, मैं पहुँच चुका हूँ ऊपर तक। हेलो अब क्यों मार रहे हो मुझे? मैं पहुँच चुका हूँ ऊपर तक यार, इडियट्स। थोड़ा समझाना पड़ता है ना, फिर कभी कभार हो जाता है यार थोड़ा। अभी भी लगे पड़े भाई वो, चले गया हूँ मैं तब भी लगे पड़े हूँ भाई। यार कहीं तो मिले यार, मजाक से हट के भाई कहीं तो मिले। क्या रे तुम लोगों ने मेरा जीना खराब कर रखा पूरा। वो देखो वो रहा, ये रहा, यही तो चाहिए था यार। मत करो यार, दे दो ना चुपचाप भाई। लिटरली एक पूरी एंड सिटी, मतलब एक पूरे के पूरे उसमें नहीं मिल रहा है। सोचो बदतमीज अलग से लगे पड़े मेरे पीछे, हुबड़े हुबड़े हबड़े हुबड़े हबड़े। नहीं सुननी तेरी लैंग्वेज यार, नहीं सीखना मुझे। हबड़े हुबड़े हबड़े हबड़े बड़क 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 परेशान मत करो। ये देखो कहाँ गया वो पानी, बहुत बढ़िया भाई। लज भी करो और फिर गिरो भी। अरे यार तुम लोग भाई यार ये क्या बना के बैठे हुए तुम लोग? सामान कुछ है नहीं तुम्हारे पास, यहाँ पे बैठे हुए मारने के लिए। भाई मेरे को ये बताओ ये कैसी एंड सिटी? ये देखो तुम एक बार, ये ऊपर ही होता है ना माल पटा का, तो भाई ये कैसी एंड सिटी है? बस यहाँ पे यार मुझे वैसे फ़र्क भी नहीं पड़ता कैसी भी हो भाई, मेरे को बस यहाँ पे सामान मिल जाए प्लीज़, ट्रिम मिल जाए बस। अरे यार क्या हो रहा है यार, वो पिछले वाले में भी नहीं मिला, इतनी बड़ी सिटी थी इसमें लेजेंड खाली एक ही डंडा है, ये डंडा ही एंड सिटी है, तुम समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं लेगा नहीं नहीं यार अभी खुलेगा और होगा नहीं, यही डंडा एंड सिटी है पूरी। भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है एंड सिटी में, मुझे कोई सिखा दो भाई यार। नहीं इस डायरेक्शन से तो मैं आया हूँ शायद से यार। एक और एंड सिटी मिल गई, वाह। ओ भाई साहब ये तो बहुत बड़ी है भाई, बड़ू है भाई। इधर नहीं मिला ना, बाय गॉड कह रहा हूँ कहीं नहीं मिलेगा भाई। अगर इधर नहीं हुआ ना तो कहीं नहीं होगा भाई, मैं तो मजाक भी नहीं करूँगा भाई। तुम एक बार देखो इसको कितनी बड़ी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अरे यार ये भाई जितनी बड़ी उतनी खोखली है क्या? कुछ है ही नहीं इसमें तो, ये भी खाली है भाई। दिखने की है एंड सिटी है, मजाक से हट के भाई, कुछ नहीं है इनके इसमें, हो सकता है नहीं, ये तो खोल के गया था मैं भी। इसमें नहीं होगा, इसमें हो सकता है मे भी, कुछ नहीं इसमें भी नहीं होगा इसमें हो सकता है कुछ है इसमें। मारो मुझे जाने मत दो मुझे। अरे मारो ना भाई यार, क्या हो गया? हाँ गुड मारो मुझे, जाने मत देना, मारते जाओ मुझे, मारो। अरे यार भाई तो आराम से मारो ना थोड़ा यार। ला ला ली ला ला। ओ डायमंड के डायमंड भी ले लो, लेट्स गो भाई। मैंने एंड सिटी में पहला आना चाहिए, यहाँ तो आर्मर के आर्मर भी मिल जाते मेरे को फ्री के भाई, दबा के वो भी। चलो सीधे निकलते हैं बॉयज, हमको नीचे दूसरा आर्मर तीसरा आर्मर कुछ नीचे, मेरे को जो दे दिया है वो दे दिया है। ए जो पहले दिया है वही कम नहीं है। बढ़िया गिर गया था अभी, चलो चलते हैं यहाँ पे, लगाते हैं इसको, इसके अंदर डालते हैं ट्रिम। फाइनली हम लोग के पास 8 ट्रिम्स हो चुके हैं और नवा हमारा ये नेदरराइट का ही चुका है। हमारे पास कितने डायमंड हो चुके हैं? 41 आई थिंक। मेरे पास और डायमंड होने चाहिए क्योंकि मेरे को नेदर फोर्ट्रेस से भी मिले थे कुछ। यस सर 5 डायमंड यहाँ पर भी पड़े हुए हैं, देयर वी गो 60। ठीक है मतलब मेरे ख्याल से थोड़े कम तो पड़ेंगे, दोबारा लेके आने पड़ेंगे, बट ठीक है कोई बात नहीं, जैसा भी है जो भी है अपना ही है ना। अब चलते हैं फटाफट से घर को और बनाना स्टार्ट करते हैं ये आर्मर्स को भाई। मैं मजाक भी नहीं करूँगा, मैं भाई पागल हो चुका हूँ भाई। मैं सोच रहा था कितना आसान होना चाहिए, मैं सच्ची दिल से बोल रहा हूँ, मतलब मैंने आसान तो नहीं सोचा था पर मैंने इतना टफ भी नहीं सोचा था, ठीक है ना, जितना हो गया है। मैंने आसान तो नहीं सोचा था कि भाई बहुत इजी होगा लुलू का, नहीं मेरे को पता था मुश्किल होगा, बट भाई इतना मुश्किल होगा ना ये नहीं पता था भाई सच्ची में यार।
अंडर एस्टिमेट करा है मैंने इस चैलेंज को, अंडर एस्टिमेट भाई, आराम से कहीं भी नहीं, मेरे को 7-8 घंटे लग जाएंगे इसको पूरा कंप्लीट करने में, समझ रहे हो। अभी आर्मर भी बनाने जाएंगे सब कुछ चीज़ें ना, आराम से जा रहे हैं मेरे, कहीं नहीं जा रहे हैं, ये घंटे लिख के लो मेरे से तुम लोग। गाइस यार हम लोग आ चुके हैं वापस से, सारे के सारे, सारे भी नहीं, 8 ट्रिम जो थे वो कंप्लीट जमा कर चुके हैं हम लोग, और उसके साथ साथ हम लोगों ने काफ़ी सारे डायमंड्स भी जमा कर दिए हैं, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो चलो फटाफट से चलते हैं, जाके ख़त्म करते हैं भाई इसको। एक मिनट में क्राफ्टिंग टेबल ले जा रहा हूँ मैं, नहीं ना अभी, अभी हो जाता काम यहाँ पे, तुम समझ रहे हो ना, क्राफ्टिंग टेबल ही ले जा रहा हूँ। तो गाइस मैं सारा का सारा सामान लेके आ चुका हूँ, लेट्स गो। बहुत ज़्यादा ही दिमाग यूज़ कर लिया था मैंने थोड़ा सा, तो या थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है नो, ज़्यादा ब्रेन यूज़ नहीं करना चाहिए अपना, यू नो जितना है उतना ही इस्तेमाल करो, ज़्यादा नहीं, ओवर मत करो ठीक है, और हर टाइम नहीं उतना एटलीस्ट ठीक है। चलो फटाफट से चलते हैं, देयर वी गो, आ गए हम लोग। हाँ जी आर्मर्स कैसा चल रहा है सब कुछ मेरे दोस्तों? चलो इसको यहाँ पे रखते हैं, इसके साथ साथ हम लोगों ने सारी चीज़ें हम लेके आ चुके हैं, और सबसे मेन चीज़ है ये, हम लोगों को इनको भी अपने इन्वेंट्री में डाल लेना चाहिए। और अभी तो रुको जरा, अरे रुको यार सर जी, देयर वी गो ठीक है, ये हो गया। और हाउ हाउ हाउ, गलती इंसान से ही होती है, इंसान जो है वो गलती का पुतला है, पुतला समझ तुम लोग, गलती का पुतला है इंसान, इंसान से ही तो गलती होती है दोस्तों पर क्या मैं इंसान हूँ? तो गाइस मैंने ब्लास्ट फर्नेस में लगा दिए सारे के सारे, ताकि जल्दी से जल्दी हो, तब तक हम लोग एक चीज़ कर लेते हैं ठीक है। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग नॉर्मल वाले नेदराइट अपग्रेड निकालते हैं ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, इस बार ही बिल्कुल गलती नहीं करनी अंशु ठीक है ना, इस बार ही नहीं, क्योंकि कायदे से मेरे पास पड़े होने चाहिए थे ठीक है ना, इसके सारे के सारे। अब देखो बिल्कुल कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम चले, अभी हम लोगों को चाहिए 8 आर्मर राइट, 8 आर्मर इंटू 4, 8 आर्मर इंटू 4 करना है हमने, क्योंकि हम लोगों को 4, तुम समझ रहे हो, तुम कर रहे हो एक्टिंग समझने की नहीं, लेकिन तुम समझ रहे हो, 8 4 32, हम लोगों को 32 चाहिए होंगे कम से कम अपग्रेड करने, क्योंकि 4 होते हैं ना एक आर्मर में, 4 पीसेस होते हैं। तो अब हम लोग कुछ नहीं करना है, बस इसको यहाँ पे रखना है, ऐसे करके कॉपी करते जाना है, बूम 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 बूम, और हमारे पास हो गए कितने, बूम 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 23 हो पाए, 20 चलो 23 हम लोग को एटलीस्ट कितने चाहिए थे, मैंने बोला था 8 into 4 32 राइट, 32 चाहिए हमें एटलीस्ट। चलो हो रहा है, कोई नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। चलो कितने हो गए अपने पास, 32 परफेक्ट एकदम एग्जैक्ट। लेकिन ये देखा, अभी कर दी थी ना गलती, अभी मैं इनको यूज़ भी कर देता, मेरे को बस एक एक्स्ट्रा दो एक्स्ट्रा अपने साथ लेके चलने, 33 हो गए। अब चुपचाप इज्जत से एक को यहीं वापस रख दूंगा मैं ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि गलती से भी हमसे कुछ सामान इधर उधर हो जाए ठीक है। अब चलो सोचो इतना डायमंड इतने में ही लग गया, अब सोचो क्या बोलूं, छोड़ो यार, मैं तो सोच रहा हूँ कि स्नाउट आर्मर को ना ही बनाऊं, मेरे पास जब आर्मर पड़ा हुआ है स्नाउट का, तो स्नाउट आर्मर मैं ऐसे लगा भी सकता हूँ डायरेक्टली, टू बी ऑनेस्ट विद यू, लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसा करना चाहिए। अब तुम लोग बताओ, क्योंकि कायदे से स्नाउट आर्मर तो पड़ा ही हुआ है ना, और हम लोग बनाने की क्या ट्राई कर रहे हैं, हम लोग बनाने की यही तो ट्राई कर रहे हैं कि सारे के सारे आर्मर हो, हम लोग उनको कभी भी कुछ भी पहन ले, हमारी मर्जी चले, है ना, सबको मैक्स भी करूंगा मैं ऑफ स्ट्रीम ठीक है, मतलब ऑफ स्ट्रीम नहीं, मेंबर्स ओनली स्ट्रीम पे हम लोग उसको मैक्स भी करेंगे ठीक है, गेमर फ्लिट की, तो ऐसे करके कुछ कर सकते हैं मस्त करके ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा, हम लोग नेदरराइट लेके आ चुके हैं, देयर वी गो। अब हम लोग कुछ नहीं करना है, बस हमारी स्मिथिंग टेबल का है, स्मिथिंग टेबल अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, पहले तो सारा का सारा सामान जो है ना वो इसके अंदर डाल लो मैं ठीक है। तो दोस्तों ये देखो, सबसे पहले तो हम लोग अपना आर्मर को उतार के, 1 2 3 ये सब अंदर रख दो ठीक है। अब ये आर्मर को उतार के अरे ये क्या रख रहा है भाई, शुल्कर रख देगा क्या उसमें? चलो ये हो गया और ये हो गया, ये देख रहे हो, लेट्स गो, कितना कूल लग रहा है देखो ऑलरेडी। सोचो अब ये सारे के सारे यहाँ पर ऐसे करके होंगे, सब में मैं अलग अलग कलर्स दूंगा, वैसे मेरा मन तो सच्ची बताऊँ तो यही है पूरे में, या तो फिर ग्रीन या तो फिर रेड स्टोन का रेड, दोनों में से एक ठीक है, अभी के लिए नॉर्मल रखेंगे ठीक है, या फिर हम लोग कर सकते हैं शुरुआत से ही कर सकते हैं, मैं थोड़ा बहुत रेड स्टोन लेके आऊँगा अभी के लिए, तो कह रहा मैं इन सबको कॉपी वॉपी भी करना पड़ेगा फॉर एवरीथिंग, पर अभी सबसे मेन चीज़ जो होगी वो होगी कि हमें देयर वी गो, इसको पहले वो करना है, सारे के सारे इंगेट बनाने हैं ठीक है। 24 इंगेट अपने हाथ में आ गए, 24 इंगेट, अरे ये तो कम पड़ गए यार, बहुत ज़्यादा ही कम पड़ गए, 32 चाहिए था ना मैं एटलीस्ट, देखते हैं कितने होते हैं, 15 और पड़ा है अपने पास, 15 और 2 यहाँ पर होने चाहिए, नाइस
लेट्स सी कितना होता है अपने पास, ठीक है टोटल कितना होता है अपने पास, देयर वी गो 29 से 29 रहेगा, लेकिन चार तो पहले से बने हुए तो हो गए, ठीक है हो जाएगा ठीक है चलो सही है। ठीक है अब बस एक ही चीज़ की दिक्कत है, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये लो बारी बारी सबका आर्मर निकाल निकाल के हम लोग पहले अपग्रेड कर लेंगे। ठीक है अपना अपग्रेड टूल कहाँ रख दिया मैंने, है नहीं इन्वेंटरी में, अच्छा ये रहे। ठीक है चलो इसको रख देते हैं यहाँ पे, बारी बारी सारे के सारे आर्मर्स को हम लोग, क्योंकि देखो आर्मर को क्या कहते हो से नेदराइट बनाने में ज़्यादा नहीं लगेगा, नेदराइट बनाने में कहने का मतलब ज़्यादा वो नहीं लगेगी, नेदराइट बनाने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा बेसिकली। ठीक है नेदराइट का आर्मर बनाने में दिमाग नहीं लगेगा, लेकिन दिमाग लगेगा जब हम लोग उसमें ट्रिम लगाएंगे, क्योंकि ट्रिम में कलर्स चाहिए होते हैं राइट, रेड ब्लू ग्रीन ऐसे करके हम लोग कलर लगाएंगे, तो वो कलर अलग अलग होने चाहिए तभी मज़ा भी आएगा। ठीक है तो अभी के लिए मैं आर्ट करने राइट, मैं सोच रहा हूँ कि देखो ये पाँच, ठीक है 1 2 3 4 5 और ये 3 8, ठीक है प्रॉपर हो जाएगा बिल्कुल एकदम। अभी के लिए इसको 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 इन सबको अंदर को डाल देते हैं, ठीक है इसको निकाल लो और इसको निकाल लो, इसको भी हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है लाओ पैंट दो अपनी, लाओ अपने बूट्स दो, चेस्ट प्लेट और हेलमेट, बस बढ़िया। ठीक है फटाफट से पूरे के पूरे को सारे के सारे आर्मर्स को हम लोगों ने कर दिया है भाई यहाँ पे नेदरराइट में, मजाक भी नहीं करूंगा, ये एक टाइम पे इतना इजी हुआ करता था ना दोस्तों, भाई मजाक से हट के 1.20 की अपडेट से पहले यही चीज इतनी मक्खन होती है, बस लगाओ चलते रहो भाई। अब देख रहे हो तुम लोग अपग्रेड लगाओ ये लगाओ, मेरे को लेकिन दिल से बोलूंगा मेरे को अच्छा लगा कि एटलीस्ट अब डायमंड की थोड़ी वैल्यू बढ़ी, डायमंड की वरना कोई वैल्यू नहीं रह गई थी, सही बता रहा हूँ मैं, बस जिनको भाई अपने डायमंड के ब्लॉक सजाने थे उनके लिए सही हो गया था, वरना तो डायमंड की कोई वैल्यू ही नहीं रही थी, मैं तो साफ बोलूंगा भाई मेरे लिए तो नहीं रही थी सही बताऊँ, जरूरत नहीं पड़ती थी डायमंड की, आर्मर ले लो आर्मर स्मिथ से, बस डायमंड से कुछ बनेगा नहीं, चिल चिल मारो उसके बाद, वेपन ले लो उससे वेपन स्मिथ से, टूल स्मिथ से टूल्स ले लो, खत्म, कुछ जरूरत ही नहीं है भाई। अब लग रहा है ना कि जरूरत भी है, कितना कूल लग रहा है आर्मर खड़ा हुआ भाई यहाँ पे। सर लेट्स गो गाइस, सबसे पहले तो मैं सभी को जितने भी मेरे पास ये ट्रिम्स पड़े हुए ना इनको 5-5 बारी बनाते हैं, ताकि एक एक हम लोग अपने लिए भी रख सकें, तो हमको अगर इनको 5 बारी बनाना है, देखो इसको एक बारी दो बारी इसको बनाना, स्नाउट तो एक्चुअली जरूरत ही नहीं, इसको हटा दिया मैंने, स्नाउट तो हमारे पास है तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है हम लोगों को इसको एक, ठीक है इसको हम लोगों को 4 बार बनाना है, ठीक है 4 बार 3 बार 1 बार कितना हो गया 4 5 6 7 ठीक है और 8 और 4 4 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 24 7 7 24 7 7 तो बहुत ज़्यादा होता है भाई, 7 2 140 भाई हमारे पास कितने डायमंड पड़े हैं, पड़े भी हैं इतने भाई 24 7 140 140 168 हमारे पास पड़े हुए 120 168। एक मिनट रुको भाई, गाइस देखो इस एक वीडियो के लिए मैं ये करने वाला हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं था पर ये बहुत ज़रूरी है भाई, ये तो होना ही चाहिए यार जो अभी करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है होना, इसलिए अभी के लिए राणा जी मुझे माफ़ करना, गलती मारे से हो गई पर ये डायमंड निकलने पड़ेंगे। लेट्स गो गाइस फटाफट से, अब सारे के सारे आर्मर्स को हम लोगों को डुप्लीकेट भी करना है, तो मैं उनके लिए सामान भी लेके आया था, हर एक आर्मर का अपना अपना डुप्लीकेशन होता है अगर तुम्हें नहीं पता, तो उसके लिए वही सामान लगता है जो तुम जो चाहिए होता है बेसिकली। ठीक है तो चलो सबसे पहले हम लोग करते हैं सेंट्री आर्मर को डुप्लीकेट, तो हमें चाहिए होगा कॉबल स्टोन के चारों तरफ से हम लोग लगाएंगे ऐसे डायमंड, ये शायद ऊपर आएगा, हाँ 1 2 देखो 5 होने चाहिए, ठीक है ये हो गया 5वां खत्म, बस इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि हमारे पास डायमंड की थोड़ी कमी है, तो इसलिए हम लोग ओवर नहीं मचाएंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे ओवर। ठीक है देयर वी गो, ठीक है ये हो गया भाई, कितनी भसड़ मची हुई है, रुको जरा ये करो जितने भी ट्रिम्स है ना, ट्रिम्स एक कोने में आ जाए ऐसा लगे, ठीक है ये इस कोने से ट्रिम स्टार्ट हो जाएंगे ना अपने यहाँ से, तो 4 हो गए देखो अपने पास सेंट्री के ट्रिम, ऐसी करके मेरे को सबके सबको कॉपी करना पड़ेगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं इन सबको कॉपी करना फटाफट। गाइस फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं, सब कुछ सेट है एकदम रेडी है, हम लोग सारे के सारे ट्रिम्स को मल्टीप्लाई कर चुके हैं और उसके बाद हमारे पास बाकी सारा सामान भी आ चुका है जो हम लोगों को एक्चुअल में बहुत ज़्यादा जरूरी चाहिए होगा, अब मैं सारा हटा रहा हूँ अपने हाथ से ताकि हम लोग इन आर्मर्स को ले पाएँ बारी बारी। ठीक है लेट्स गो, इसको निकालते हैं पहले, सबसे पहला आर्मर, ठीक है
इसको हम लोग सबसे पहले बनाएंगे, ये रहा, इसको हम लोग बनाएंगे सेंट्री आर्मर, ठीक है। सेंट्री आर्मर में लेट्स सी गोल्ड कैसा लगता है, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है अगर तुम लोग ध्यान दोगे ये सेंट्री आर्मर में मिला था आउटपोस्ट से, और वो लोग थोड़े से होते हैं मतलब समझ रहे हो ना गोल्ड, वैसे नहीं यार गोल्ड पता किस में लगाना चाहिए हमने, एक्चुअल में इसमें लगाना चाहिए था बट ठीक है क्योंकि बेस्टियन से आता है गोल्ड, चलो छोड़ो। तो देखो अभी क्या करने वाले हम लोग, या तो फिर इस पर आयरन लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है, इस वाले पे मेरे ख्याल से आयरन ज़्यादा सूटेड होगा क्योंकि वो लोग ज़्यादातर जितने भी वेपन्स आते हैं ना वो उससे आयरन से ही लड़ते हैं। तो देयर वी गो, ये पूरा का पूरा आर्मर हो गया, लेट्स सी ये दिखता कैसा है। ये कूल लग रहा है भाई, और बाद में तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इनको लाइक अपनी मर्जी से भी कलर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बड़ी, ठीक है। बाद में अगर हमें लगता है कि नहीं यार इसमें मज़ा नहीं आया तो हम लोग अपनी मर्जी से कलर कर देंगे, अभी के लिए तो बस हम इनको ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है। चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। इस बार ही पर्पल, तो हम लोगों को थोड़ा सा पिंकिश कलर चाहिए, तो मेरे ख्याल से कॉपर से बढ़िया कोई कलर नहीं देगा वो, ठीक है, तो हम लोग कॉपर से यूज़ करते हैं इसको। देयर वी गो, और ये आ गया हमारा अगला आर्मर भी रेडी, लेट्स सी ये कैसा दिखता है सामने से। नॉट बैड भाई, अभी तक का सबसे कूलेस्ट आर्मर नहीं यही है भाई, मेरा वाला ही कूलेस्ट है अभी के लिए तो भाई। क्या भाई मैं मजाक नहीं करूँगा, ये अलग ही भाई एकदम तगड़ी चीज़ लग रही है, मतलब कैसे बताऊँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है समझाने के लिए, ये ना ऐसा लग रहा है कि मतलब तुम समझ रहे हो 7-8 घंटे वसूल वाली चीज़ लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि यार ठीक है डालने थे टाइम तो डाल दिया वाली चीज़ नहीं लग रही। जंगल होना चाहिए ग्रीन, बट अब तुम्हें पता है कि हमने ग्रीन तो इसमें डाल दिया है, वैसे कायदे से 16 आर्मर होने वाले हैं तो मैं ग्रीन कर सकता हूँ इसमें सही बताऊँ तो, क्योंकि 16 आर्मर है फिर रिपीट तो होंगी चीज़ें, राइट। तो जंगल वैसे ग्रीन होने चाहिए कायदे से, ब्लू तो मैं बचा के रखूँगा इस बार। वैसे डायमंड कट कैसा दिखता है मैं देखता हूँ एक बार, दोनों में फ़र्क क्या है। ओके, डायमंड ऐसा दिखेगा और लैपिस, अच्छा लैपिस तो मैंने बनाया ही नहीं इसका, लैपिस लजूला, ठीक है, ये करते हैं ये ले, ठीक है, हाँ ये ज़्यादा ब्लू है ना, ये थोड़ा पिंक, ये थोड़ा वैसा ब्लू है, ये वाटर जैसा है, इसको करेंगे हम लोग वो वाले में ओशन वाले से जो मिला था हमें अभी के लिए, तो इसको हम लोग लाइक ग्रीन का शेड देने वाले हैं, ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि ये हमको जंगल से मिला है इसलिए, ठीक है। देयर वी गो, अब बस मैं एक चीज़ करना चाहूँगा इस आर्मर के साथ, जो कि होगा मैं इस आर्मर को यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है, अपने वाले आर्मर से दूर, ताकि वो ऐसा ना लगे ना बगल बगल में फिर ग्रीन ग्रीन ना अजीब लगता है थोड़ा सा। देखो फ़र्क तो है दिखने का, ये देख लो फ़र्क कितना ज़्यादा है दोनों में, बहुत ज़्यादा है भाई। चलो ठीक है, अब हम लोग लगाते हैं इसको अगला कलर, जो कि होगा हमारा ये होगा यस वाटर वाला आ गया ना, इसमें हम लोग डायमंड डालेंगे भाई, वाटर वाले में तो डायमंड ही जचेगा ब्रो। देयर वी गो, मेरे ख्याल से वाटर वाला आर्मर बहुत अच्छा लग रहा है, 2 सेकंड के लिए मैंने लगाया था अपने ऊपर और मेरे को बहुत कूल लगा भाई, इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा। देखो 4 एलिमेंट्स होंगे, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और ये एयर एलिमेंट। ओ भाई साहब, देख के ऐसा लग रहा है कि 4 एलिमेंटर भाई, क्या कूल चीज़ है यार ये, मैं मजाक नहीं करूँगा, नई चीज़ बहुत सही लेके आए भाई, बहुत सही है ये। चलो अगला देखते हैं, लेट्स गो, इस आर्मर को हम लोग कैसा कलर देंगे वो तो खैर डिपेंड करेगा कि हम लोग क्या लगा रहे। देखो अब ये कोस्ट, एक मिनट, ये कोस्ट वो क्या था फिर, अच्छा कोस्ट और टाइड आर्मर में फ़र्क है ना, हाँ तो बढ़िया है, कोस्ट आर्मर में हम लोग ये लगा देंगे, ये हमको शिपरेक से मिला था राइट, तो हम लोग कोस्ट आर्मर में ये लगा देंगे। चलो ठीक है, कोस्ट आर्मर को हम लोग डार्क ग्रीन मतलब डार्क वो कर देंगे, डार्क ब्लू बना देंगे। देयर वी गो, लेट्स गो। चलो अगला करते हैं, ये होगा, ये तो सीधी सी बात है, इसमें तो कोई ऑप्शंस ही नहीं है भाई, सिंपल है, इसमें तो रेडी जाएगा। चलो ठीक है, इस आर्मर को, कौन से आर्मर को हटाएं, इसी को हटाते, चलो ठीक है, चलो इस आर्मर को देते हैं हम लोग रेड कलर, और इसमें आएगा हमारा नेदर वाला। चलो ये अलग भी कूल रहा है भाई, ये जो कट वट है ऐसा लग रहा है जैसे आर्मर में किसी ने तलवार चलाई हो और आर्मर कट गया हो। ओ भाई साहब, लेजिट वैसे ही लग रहा है कि आर्मर में किसी ने तलवार चलाई और आर्मर कट गया। ओ भाई साहब, भाई इतने आर्मर रखूंगा काम है, ये हो रही है मेरे को तो। चलो ठीक है, ये हो गया, और अब हमारा आता है फाइनल, लेट्स गो। इसमें तो हम लोग गोल्ड डालेंगे, ठीक है, इसमें तो कोई वो नहीं है, लाइक ये सैंड वाला आर्मर है तो सीधी सी बात है इसमें गोल्ड जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो, एंड लेट्स होप कि वो अच्छा भी लगे। यस सर, अच्छा भी लग रहा है वो भाई साहब, तोड़ो भाई तोड़ो इसको, तोड़ो, हटाओ 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 सब हटाओ, अरे यार इसके लिए एक्स निकालनी पड़ेगी मेरे को अपनी,
चलो भाई साहब, गाइस लेट्स गो। देखो ये एरिया मत देखो, ठीक है, ये एरिया पे भी काम चालू है। हम लोग को और भी डायमंड्स लेके आने पड़ेंगे और 8 और ट्रिम्स लेके आने पड़ेंगे। बट एक बार ये एरिया देखो तुम लोग, आई विल बी डैम्ड ब्रो, एक बार इसको देखो कितना कूल लग रहा है ये। ओ माय गॉड ब्रो, मजाक से हटके भाई, भाई मैं तो कह रहा हूँ यार ऐसे होता ना, ये दो आर्मरों को भी चेंज करके इधर पे लेके आ जाते और ऐसे देखते, ये देखो कितना कूल लग रहा है। देख रहे हो, रुको मैं हाथ खाली करता हूँ अपना, ये देखो भाई यार। हम लोग अभी सोचे इनको अगर मैक्स आउट कर देंगे, ठीक है, ये दिखने के तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ऑलरेडी आर्मर्स। और हम लोग ऐसा भी कर सकते, देखो हेलमेट जैसे कि, देखो ये हेलमेट अच्छा नहीं लगता है सही बताओ तो, क्योंकि इसमें साइड से दिखता है ना हेलमेट। सही बताओ तो ये सबसे कूल लग रहा है आई गेस, ठीक है। चेस्ट प्लेट आई थिंक चेस्ट प्लेट इसी की सबसे कूल है, ठीक है। या फिर नहीं, इसकी चेस्ट प्लेट नहीं, इसकी मेरे ख्याल से इसको चेस्ट प्लेट हटाओ, इसकी पैंट सबसे ज़्यादा कूल है, ठीक है। देयर वी गो, इसकी पैंट्स ले लेते हैं, ठीक है, और चेस्ट प्लेट ले लेते हैं। चेस्ट प्लेट किससे लें, ये भी अच्छी लग रही है, ये कूल लग रही है बट बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चेस्ट प्लेट यहाँ से ले लेते हैं और लास्ट बचता है बूट्स। आई थिंक बूट्स ये अच्छे लगेंगे, ठीक है। ये देखो अतरंगी बाबू जी यार तो हम लोग ऐसे करके जब सोचा हमारे पास 16 के 16 ट्रिम्स होंगे तो हम कितने अलग अलग टाइप के भाई आर्मर्स का वो बना पाएंगे मैशअप। हमारा जिस दिन जो मन करेगा भाई, तुम समझ रहे हो, बिल्कुल फैशनिस्टा बन के घूमेंगे हम लोग भाई। भाई मजाक से हटके जो ही कूल लगेगा ना ये देखने में भाई, सोचो हमारा जो मन करेगा हम वो कर सकते हैं, लाइक बना सकते हैं। हेलमेट इसका गायब है, चेस्ट प्लेट इसकी गायब है, बूट्स इसके गायब है और पैंट्स इसके गायब है भाई। ये मजाक से हटके इतना ज़्यादा भाई, मैं सही बता रहा हूँ तुम लोगों की, तो कूल लग रहा है। तुम लोग देख रहे हो एक बार आर्मर्स को, और अभी तो एक बार सारे जमा हो जाते हैं और जब मेरे पास ढंग से टाइम होगा ना, अभी तो भाई 7-8 घंटे हो गए तो थोड़ा सा दिमाग नहीं चल रहा है। बट हम लोग फिर तो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन भी ट्राई करेंगे, जैसे बीच में कुछ अलग कलर कर देंगे एक ही आर्मर में, मतलब समझ लो एकदम क्या क्रेजी सा बनाएंगे। बट मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना भाई, अभी से तुम लोगों को नेक्स्ट लेवल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सोचो ये साइड भी जब हो जाएगी, और मैं तो बोलता हूँ एक प्रॉपर रूम जैसा बनाएंगे, जहाँ पर म्यूजियम जैसा बना देंगे, पूरे कांच का, समझ रहे, जैसे आयरन मैन के सूट्स नहीं होते अलग अलग टाइप के, तो वो ऐसा जो मन करता है वो पहनने वाला, तो ऐसे करके हम लोग शोकेस जैसा बना सकते हैं कांच की गैलरी के अंदर, और सारे के सारे 16 के 16 आर्मर्स हम लोग उसके अंदर डाल सकते हैं। सोचो क्या सीन होगा, क्या मजा आएगा। लाइक वाला बटन दबाओ अगर तुम लोग सेकंड पार्ट देखना चाहते हो, जहाँ पर हम बचे हुए 8 ट्रिम्स लेके आए अपना 16 के 16 क्या कहते हैं आर्मर का, वो भी क्या कहते हैं कलेक्शन भी कंप्लीट करें, और उसके साथ साथ एक एरिया भी बना दे जो म्यूजियम जैसा काम करेगा फॉर ऑल द आर्मर्स। सोचो कितना मजा आएगा भाई। 1.5 लाख लाइक देखने मैंने, जल्दी से कर दो, और जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो।